आपके ऐसे लग रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्यूरेसी 90% है, ठीक है। तो इसलिए जो चीज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको जो है वो यहाँ पर चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं चार्ट के ऊपर जाने से पहले एक चीज यहाँ पर डिस्कस कर दूं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जिसको मैंने इम्पोर्टेंट समझा वो यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि कैपिटल जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, इस कंसेप्ट के ऊपर काम करने के लिए। या ट्रेडिंग के अंदर आप फॉरेक्स के अंदर आना चाहते हैं, आप इसके अंदर जो है ट्रेड करना चाहते हैं, तो कितना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज याद रखें, अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी के साथ कंसेप्ट मौजूद है ट्रेडिंग का, तो फिर आपके लिए ओनली $10 भी इनफ है, $10 का डिपॉजिट भी इनफ है आपको जो है वो ग्रो करने के लिए। आपको स्टार्टिंग के अंदर $10,000 नहीं चाहिए, आपको जो है वो इसके अंदर $100 मिनिमम नहीं चाहिए। अगर कोई ब्रोकर आपको $10 से जो है वो आपका अकाउंट ओपन कर रहा है, और आप $10 से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं इस चीज को, आप जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं जो यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर मौजूद है, आपके साथ जो है मैं जिस चीज को ज्यादा फोकस करूंगा वो ये है, अगर आपके पास $1,000 है तो आप $1,000 की बजाय $100 अपने अकाउंट के अंदर रखें और उसके साथ ट्रेड करें। आपके बैक ऑफिस के अंदर बेशक $900 पर पड़ा हो, लेकिन आपके MT4 के अंदर $100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप $1,00,000 से जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, बेशक $90,000 आपके बैक ऑफिस के अंदर ब्रोकर में ही पड़ा हो, लेकिन $10,000 से ज्यादा आपके MT4 के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर मैं ट्रेड कर सकता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको $5,000 से, तो मैं $500 से ज्यादा अपने MT4 के अंदर नहीं रखता। जितना आपका कैपिटल ज्यादा होगा, ठीक है, जब आप मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी, मार्केट आपके जो है वो SL की तरफ जाएगी, वो आपके इमोशंस के साथ बहुत बैडली बिहेव करेगी, बहुत बैडली जो है वो आपके साथ खेलेगी। आप कहेंगे कि मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस बढ़ा देता हूँ, आपकी स्ट्रेटजी, आपकी बैक टेस्टिंग कह रही है कि 30 पिप से ज्यादा का SL नहीं बनता जोन से बाहर, आप कह रहे हैं कि मैं 40 पिप्स कर लेता हूँ, मैं 50 पिप्स कर लेता हूँ, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो जाए। याद रखें कि ये उसी सूरत के अंदर होगा जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी आपके अकाउंट के अंदर पड़ी होगी। जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी आपके MT4 के अंदर नहीं पड़ी होगी, तो फिर आप अपने डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट रहेंगे। ये बात मेरी अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लें कि ये चीज आपके साथ बहुत बैडली खेलेगी। मैं यहाँ पर इससे भी एक नेक्स्ट लेवल पे आपको ये कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी ट्रेडिंग के अंदर फॉर एग्जाम्पल $100 का एक ट्रेड के अंदर जो है वो रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आप अपने MT4 के अंदर $100 ओनली रखें, ठीक है। आपको पता है कि अगर मेरा, अगर ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूं, अगर मेरा माइनस होगा तो $100 होगा, तो भाई फिर MT4 में $100 रहने दें, ठीक है। बाकी जो आपका फंड है उसको बैक ऑफिस में शिफ्ट कर दें, उसको वेबसाइट में शिफ्ट कर दें, वो आपके अकाउंट के अंदर होना ही नहीं चाहिए। आपने ट्रेड लिया, अब आप भी रिलैक्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि मैं अपने डिसीजन के ऊपर स्ट्रिक्ट हूँ, अब आप रिलैक्स हैं, आपको पता है माइनस होगा तो $100 होगा, ठीक है। जब ज्यादा पड़े होंगे तो फिर आपका डिसीजन चेंज होगा, ठीक है। और ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये अपने उस एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार अपने अकाउंट जो है वो फ्लिप मारे हैं, मैंने कई बार अपने अकाउंट को 10-10 गुना किया है इस एक चीज के ऊपर जो है वो काम करके, क्योंकि एक्यूरेसी तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मेरे पास है ही है, ठीक है। मैं अपने इमोशंस जो है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। मैं मार्केट को अपने साथ क्यों खेलने दूँ, तो उसका एक तरीका है ना, वो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप $10 एक के ऊपर लॉस करना चाहते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, $10 रखें MT4 अकाउंट में, बाकी को बैक ऑफिस के अंदर रख दें। ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज के ऊपर आप काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं अभी आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, और जो आज मैं आपके साथ न्यू चीजें डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट ऑन मी
मैं जस्ट चार्ट ओपन करूं। एक बार जो है वो आप मुझे बता देंगे कि मेरी जो स्क्रीन है वो आपके साथ जो है वो प्रॉपर शेयर हो रही है। जी जी अच्छा जी 700+ यहाँ पर जो है वो मुझे मैसेज लगे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी। जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके, आप इसके अंदर कर सकते हैं। बाद में जो है ये चीज़ चेक करके फिर आपके साथ उसके वीडियो की सूरत में जो है मैं आंसर सब पे जो है वो कोशिश करूंगा आपके साथ कर दूँ शेयर। अच्छा जी, इसके अंदर जो चीज़ हम आज के इस वेबिनार के अंदर चार्ट के ऊपर न्यू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है, देखें दो चीजें। एक चीज ये है कि मार्केट के अंदर आपके पास जो है वो एक डायरेक्शन हो और उस डायरेक्शन के ऊपर जो है वो आप काम करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे ग्रुप मेंबर्स हैं जाहिर सी बात है कि वो काम कर रहे हैं बेसिक इंगल्फिंग के ऊपर जो है वो काम करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो इंगल्फिंग बन रही है उनके ऊपर जो है वो काम करते हैं। आप देखते हैं कि बहुत बार इस तरह होता है कि मार्केट आपकी इंगल्फिंग को रिस्पेक्ट नहीं देती और बहुत बार इस तरह होता है कि मार्केट इंगल्फिंग को रिस्पेक्ट देती है। अगर आप थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं तो वहां पर आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जब आप फिल्टर इंगल्फिंग के अंदर चले जाते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर चले जाते हैं, या आप ओवरलैप एरियाज के अंदर जो है वो चले जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम के, तो वहां पर आपकी जो इंगल्फिंग है वो अच्छा काम कर रही होती है। लेकिन जब आप H1 के अंदर आते हैं या 30 मिनट के अंदर आते हैं तो वहां पर आपकी इंगल्फिंग जो है वो उस तरह से काम नहीं करती, ठीक है। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि जिसपे आपको एडवांस पता लग रहा होता है कि यहाँ पर मार्केट की के अंदर जो इसकी जो क्या कहते हैं उसको एक्सपेरिमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, या मार्केट बहुत ज्यादा टॉप के ऊपर खड़ी हुई है, तो आप फिर उस तरह से अपने डिसीजन जो है वो आपको एडवांस पता लग जाता है और आप अपने डिसीजन के मुताबिक नहीं ट्रेड लेती, और समटाइम आप सही होते हैं वहां पर, लेकिन समटाइम आपको लगता है कि यहाँ पे मार्केट इसको अच्छी रिस्पेक्ट देगी लेकिन वहां पर मार्केट अच्छी रिस्पेक्ट जो है वो नहीं देती और मार्केट जो है वो उसको ले जाती है आपकी ट्रेड को माइनस के अंदर। तो यहाँ पर हमारे लिए जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम मार्केट के अंदर जब ट्रेड करें तो वो एक डायरेक्शन को लेकर ट्रेड करें या एक ट्रेंड के अंदर ट्रेड करें। देखें एक जो ट्रेंड है ना उसके अंदर जब आप ट्रेड करते हैं तो ट्रेंड के अंदर जो आपकी ट्रेड होती है उसके अंदर जो चांसेस होते हैं लॉस के वो बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। DFC कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर आपके जो नुकसान के चांसेस होते हैं या जो आपके SL के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं जब आप डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करते हैं। अब डायरेक्शन को लेकर जो पहले मैंने आपके साथ चीजें जो है वो शेयर की हैं उनकी अगर मैं बात करूंगा तो जाहिर सी बात है कि वो वही वाली चीजें हैं जिस तरह मैं कहता हूं कि आप वीकली कैंडल को देख लें कि वीकली रीसेंट जो इंगल्फिंग बनी है वो कौन सी बनी है, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो सेल की बनी है तो आप सेल की ट्रेड को जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर फाइंड करें, अगर वीकली जो है वो बाय के अंदर बनी है तो आप बाय के अंदर जो है वो ट्रेड को जो है वो फाइंड करें। इसी तरह से अगर आप उसे छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आना चाह रहे हैं जिस तरह के 30 मिनट के अंदर, तो फिर एटलीस्ट आप ये देख लें कि मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम के अंदर इंगल्फिंग सेल बनी है तो 30 मिनट के अंदर उसके अंदर आ जाए, ठीक है। रूल्स वही होंगे, 30 मिनट की एक्सपेरिमेंट वाली हो या फिल्टर हो या ओवरलैप वाली हो, ठीक हो गया। इसी तरह से फिर आप जो है वो अगर डेली टाइम फ्रेम के अंदर एक ब्रेक हो जाती है इंगल्फिंग बाय बन के, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेक हुई है तो फिर आप उस डायरेक्शन के अंदर यानी कि फिर सेलिंग के अंदर ट्रेड देखेंगे स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पर ये तो वो ऑलरेडी चीजें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई हैं कि इस तरह से आप डायरेक्शन के अंदर जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज एक और बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जिसके बाद आपके लिए डायरेक्शन जो मार्केट की एक डायरेक्शन है एक जो है, क्योंकि समटाइम इस तरह होता है कि
ऊपर जो है वो इंगल्फिंग सेल बनी है, नीचे इंगल्फिंग बाय बनी है, और मार्केट बिल्कुल उसके दरमियान में घूम रही है। अब आपको आइडिया नहीं हो पा रहा कि आप ट्रेड कहां से लें, बिल्कुल ऊपर इंगल्फिंग सेल पड़ी है, बिल्कुल नीचे इंगल्फिंग बाय पड़ी है, अब मैं किस वाली इंगल्फिंग को जो है वो चूज करूं और कहां से जो है वो मैं ट्रेड लूं, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो चीज अब मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके अंदर ये आपका कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आपने ट्रेड किस तरफ की लेनी है और मार्केट के किस बिहेवियर के बाद क्या आपने जो है वो ट्रेड लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर चार्ट के ऊपर जो है वो मैं आपको समझाता हूँ, और फिर जिस तरह से हम करते हैं हमेशा कि जो चीज मैं आपको सिखाता हूँ मैं उसको रियल चार्ट के अंदर रियल एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ उसकी, ठीक है। और रियल एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाता हूँ तो उससे आपको पता लगता है कि ये चीज वाकई ही काम करती है। तो फिर जाहिर सी बात है कि आप उसको जाके जो है वो अपने पास खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, बैक टेस्टिंग जो है वो उस चीज की कर सकते हैं। यहां पर सबसे पहले जो है वो मैं एक इंगल्फिंग बनाता हूं। अभी हम अपनी जो है वो डीएफसी कंसेप्ट की तरफ जो है वो जा रहे हैं। आपका चार्ट के ऊपर जो है वो आपने फोकस करना है। मैं इसको थोड़ा सा और जो है वो बड़ा कर लेता हूं ताकि क्लियर हो। अब यहां पे हम इसको जो है वो एक कैंडल के तौर पे ले लेते हैं। ये एक रेड कैंडल है, और इसके बाद यहां पे एक कैंडल बनती है जो हमारे पास आ रही है, ग्रीन कलर की कैंडल। जब ये ग्रीन कलर की कैंडल इस तरह से बनती है तो ये क्या बन गया आपके पास, यहां पर बन गई बेसिक एक इंगल्फिंग जिसको हम कहते हैं, एक सिंपल इंगल्फिंग, वो इंगल्फिंग यहां पर बन गई, ठीक हो गया। ये यहां पर जो है वो एक इंगल्फिंग बन गई। इस इंगल्फिंग को हमने क्या कर लिया, मार्क कर लिया यहां पे, ठीक है। इसको इंगल्फिंग बाय को जो है वो हमने मार्क कर लिया। अब इसके अंदर नॉर्मल रूटीन के अंदर हम क्या करते हैं कि जब एक मार्केट है वो मूव कर रही होती है, यहां से हम कहते हैं कि ये मार्केट यहां पर जाएगी, उसके बाद क्या करेगी, एक एक्सपेरिमेंट करेगी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब मार्केट उस जोन को छोड़ के बाहर कैंडल्स जो है वो क्लोज करेगी, ठीक है। जितना आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा कैंडल्स, ठीक हो गया। या आप उसको अगर जो है वो घंटों के अंदर देखना चाहेंगे तो फिर आप इस तरह से देख सकते हैं कि कोई भी जो है वो कैंडल्स हो आपकी, चाहे वो H1 की हो या H4 की हो या 30 मिनट की हो, ओवरऑल आप ये देख लिया करें कि ऑलमोस्ट जो है उसने 10 से 12 घंटे का जो है वो एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर घंटों के हिसाब से कैंडल्स के हिसाब से देखेंगे तो H1 की 12 कैंडल्स बन जाएंगी, H4 की कैंडल्स देखेंगे तो 3 कैंडल्स बन जाएंगी। तो आप ऑलमोस्ट जो है वो इतना एक्सपेरिमेंट बाहर देखते हैं और उसके बाद यहां से ट्रेड लेते हैं, ठीक है। अब जो चीज मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, ठीक है, ये ट्रेड के लिए भी आपके काम आएगी, और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता होगा कि नेक्स्ट हमने जो ट्रेड लेनी है वो इंगल्फिंग बाय के ऊपर ट्रेड लेनी है या इंगल्फिंग सेल के ऊपर ट्रेड लेनी है। वहां से आपको डायरेक्शन जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर एक इंगल्फिंग बनी और मार्केट ने यहां से एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है। इसको जो है वो हम यहां पर कर देते हैं। मार्केट एक्सपेरिमेंट करके इसके अंदर आ गई। अब हमारे पास जो इसके अंदर कंडीशन थी, ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं, ये हमारे पास जो इसकी कंडीशन है इंगल्फिंग बाय वाली, ये इसकी कंडीशन जो है वो पहली कंडीशन है, ठीक है। इसकी जितनी कंडीशंस है वो कंप्लीट होना जरूरी है, ये इसकी पहली कंडीशन है। सही है, इंगल्फिंग बाय वाली। उसके अंदर फिर सेकंड कंडीशन इसकी कौन सी है, एक्सपेरिमेंट वाली। अब एक्सपेरिमेंट का जो टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है वो आपने अपने माइंड के अंदर रखना है, ठीक हो गया। आप किसी भी टाइम फ्रेम की कैंडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम इंगल्फिंग बाय का जो मैं आपको बताऊंगा आपने वही रखना है, ठीक है। उसके बाद आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर चले जाते हैं
तो आपने ये देख लेना है कि आप H1 देख रहे हैं तो फिर जोन के बाहर 12 कैंडल्स 10 कैंडल्स ऑलमोस्ट क्लोज हो। अगर आप H4 के ही चार्ट को देख रहे हैं तो 3 कैंडल्स क्लोज हो, तो 30 मिनट को देख रहे हैं तो फिर उस हिसाब से आपने कर लेना है, बहुत सिंपल है। ये इसकी दूसरी कंडीशन है। इसके बाद इसकी जो थर्ड कंडीशन है वो ये है कि यहां पर आके मार्केट क्या करती है, अगेन से एक कैंडल बनाती है इस तरह से, ठीक है। इसको जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं। अब यहां पर जो कैंडल बनी है वो क्या बनी है, इनगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है, ठीक है। सेम जोन के अंदर इनगल्फिंग बाय की कैंडल बनी है। पहले इनगल्फिंग बाय की कैंडल बनी, मार्केट ने यहां पर क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद अगेन जब मार्केट उस एरिया के अंदर आई तो उसने इनगल्फिंग बाय बनाई। सबसे पहले जितने भी आप यहाँ पर जो है वो 940 के करीब यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स मौजूद हैं इस टाइम वेबिनार्स के अंदर 39, आपने ये बताएं यहाँ पर जो इनगल्फिंग बाय बनी थी, आपने क्वेश्चन आंसर के अंदर बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो इनगल्फिंग बाय बनी थी हमारे पास पहले, ये वाली जो इनगल्फिंग बाय बनी थी, इसके बाद मार्केट का एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी होता है, सही है। ये जो हम कहते हैं कि मार्केट एक्सपेरिमेंट करे, ये एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी होता है, ठीक है। जब कोई इनगल्फिंग बनती है और उसके बाद, क्योंकि एक तो तरीका ये भी होता है ना, यहां से इनगल्फिंग बनी और मार्केट इनगल्फिंग बनाने के बाद नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई और मार्केट यहां पे आ गई, बेशक वो यहां से ऊपर चली जाती है, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि मार्केट का सेकंड कंडीशन कंप्लीट होना जरूरी है, एक्सपेरिमेंट जरूरी है। एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है, देखें किसका आंसर सही होता है, जल्दी जल्दी जवाब दें। कंफर्मेशन टू बाय फॉर लिक्विडिटी ग्रैब, इट्स क्रिएट मोर लिक्विडिटी एंड देन टेकिंग मोर ऑर्डर्स। अच्छा जी, सब जवाब दे रहे हैं। टू टेस्ट इफ इट विल रिस्पेक्ट द बाय जोन, अच्छा जी, टू टेस्ट इफ इट विल रिस्पेक्ट द बाय जोन फ्रेश इनगल्फिंग, इसलिए एक्सपेरिमेंट करके आए। अच्छा जी, लिक्विडिटी के लिए इनगल्फिंग बाय ब्रेक ना हो जाए, एक्सपेरिमेंट जरूरी क्यों है, आपने इसका जवाब देना है। हम कोई भी इंगल्फिंग बाय बनती है उसका वेट करते हैं कि एक्सपेरिमेंट हो जाए, एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है, या एक्सपेरिमेंट जब होता है तो उससे हम क्या रिजल्ट निकाल रहे होते हैं। आप किसी भी तरह इसका आंसर दे सकते हैं, स्ट्रोंग हो जाती है। अच्छा जी, आई एम न्यू लिक्विडिटी स्वैप, लिक्विडिटी बन जाए फॉर लिक्विडिटी, छोटे छोटे जवाब दें टू गेट रिस्पेक्ट। अच्छा जी, अब यहां पर आते हैं। अच्छा अब यहां पर आते हैं, ये जो इसलिए जरूरी होता है कि हमें ये पता लगता है कि यहां पर ये जो पहली इनगल्फिंग बाय बनी है, अगर इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो स्ट्रोंग बायर्स हैं, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी है कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो क्या है, वो स्ट्रोंग बायर्स हैं। अगर यहां पर स्ट्रोंग बायर्स ना होते तो मार्केट क्या करती, जाहिर सी बात है कि मार्केट यहां से नीचे आ जाती, ठीक है। फिर मार्केट ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रही होती, इसको बार बार टेस्ट कर रही होती, क्योंकि ये जो नीचे बायर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने ये इंगल्फिंग बाय बनाई है, उनके अंदर इतनी पावर ही नहीं है, या वो इतने स्ट्रोंग ही नहीं है कि वो मार्केट को इस एरिया से ऊपर रखें जहां पर उनके बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जब मार्केट नीचे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर स्ट्रोंग बायर्स नहीं है,
इसका मतलब है अपोजिट साइड पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ रही है। तो इसलिए जब एक इंगल्फिंग बनती है उसका इतना एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि मोस्टली जब इंगल्फिंग बनती है ना तो वहां पर क्या होता है कि एक बड़ी सी कैंडल ऊपर बनती है, और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट उतनी ही तेजी से रिवर्स आ जाती है। ठीक है, आके नीचे जो है वो कैंडल क्लोज की उसने ऐसे, और उसके बाद फिर मार्केट इस एरिया के अंदर ऐसे कैंडल क्लोज की, इस एरिया के अंदर एक दो बार रिटेस्ट करती है, सही है, और उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे की तरफ निकल जाती है। जबकि आपका जो ऑर्डर होता है वो यहां पर इंगल्फिंग बाय को देखते हुए बाय के लिए होता है, सही है। अब आप बाय के लिए बैठे होते लेकिन मार्केट ने क्या किया, उस एरिया को ब्रेक करके एक दो बार रिटेस्ट किया, आप बैठे हुए थे कि अब वापिस आएगी, अब वापिस आएगी, लेकिन मार्केट वहां से नीचे चलेगी और आपका एसएल लग गया। याद रखें कि ये उसी वक्त होता है कि जब इंगल्फिंग बाय जो है वो इंगल्फिंग बाय स्ट्रोंग नहीं होती, ठीक है, और उसके स्ट्रोंग होने की जो पहली आप यूं समझ लें कि एक तरह से आपके पास जो एक हिंट होता है, एक निशानी होती है, वो ये होती है कि यहां पर बायर्स जो है वो स्ट्रोंग है, बायर स्ट्रोंग है, तो इसी वजह से ये रेट को नीचे नहीं फेंक रही या इधर नहीं आने दे रहे, रेट प्राइस को वापस इस एरिया के अंदर नहीं आने दे रहे, इसको ऊपर ही जो है वो रखा हुआ है। यानी कि ये जो यहाँ पर जो एरिया, इस एरिया के अंदर जो बायर बैठे हुए हैं वो कौन से बायर्स हैं, वो बड़े बायर्स हैं, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशनल बायर है। जब मार्केट के अंदर एक इंगल्फिंग बाय बनती है और उसके बाद इनगल्फिंग बाय के एरिया के अंदर मार्केट नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है, सिंपल इसका मतलब ये है कि उस एरिया के अंदर इंस्टीट्यूशनल बायर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे। तो ये इसकी एक तरह से पहली निशानी है कि यहां पर बायर्स मौजूद है, ठीक हो गया। क्योंकि एक चीज जो आपने इंपॉर्टेंट है ना जो समझनी है वो ये है, यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने हमेशा उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करनी है जहां पर इंस्टीट्यूशनल हैं, जहां पर उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अगर हम उनके ऑर्डर्स के साथ मूव करेंगे और इंगल्फिंग से बेस्ट और इंगल्फिंग से आसान जो है वो आपको मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न्स या इंडिकेटर्स नहीं मिलेगा जो आपको ये बताए कि मार्केट के अंदर कहां पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स बैठे हुए हैं। एक चीज याद रखें कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो हमेशा अपने फुटप्रिंट जो है वो छोड़ते हैं, ठीक है, आपके अंदर, ये आपने ढूंढना है कि वो कहां पर पड़े हुए हैं, ठीक है, आपने उनके ऊपर जो है वो चलना है, तो आप मार्केट के अंदर हमेशा जो है वो विन करेंगे। तो पहली कंडीशन यहां पर ये कंप्लीट हुई, ठीक है, और दूसरी कंडीशन एक्सपेरिमेंट हो गया। तीसरी कंडीशन यहां पर क्या है कि यहां पर इस एरिया के अंदर ऐसी इंगल्फिंग बाय बने जो यहां पर मैं एक लाइन लगाने लगा हूं, इस इंगल्फिंग के ऊपर जो पहली बनी थी, इस इंगल्फिंग की जो प्राइस है इससे ऊपर जो है वो ब्रेक करे, इससे ऊपर ब्रेक करे, ठीक है, जो यहां पर हमारे पास टेकन कैंडल जो है वो आ रही है, इस टेकन कैंडल को जो है वो आपने लेना है, सही है। ये वाली जो इंगल्फिंग बाय, यहां पर सेकंड इंगल्फिंग बाय बनी है, ये पहले वाली जो इंगल्फिंग है उससे ऊपर जाके जो है वो क्लोज करे, ठीक हो गया। क्योंकि सम टाइम जो इंगल्फिंग बाय इसके अंदर बनेगी ना वो इस तरह भी बन सकती है, ऐसे वो ऐसे भी बन सकती है, कहने का तो वो इस जोन के अंदर डबल इंगल्फिंग बाय के तौर पर ही आप उसको देख रहे होंगे। लेकिन एक चीज याद रखें कि वो डबल इंगल्फिंग बाय उस वक्त तक हम उसको, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं उसके अंदर हम नहीं उसको कंसीडर करेंगे जब तक ये इससे ऊपर आके क्लोज नहीं होती। यानी कि जो पहले वाला प्राइस है इस प्राइस से ऊपर आके क्लोज होना जो है वो इसके अंदर जरूरी है। ये इसकी क्या है, थर्ड कंडीशन है इसकी, इसकी तीसरी कंडीशन है। इसके अंदर एक चीज याद रखें कि जो चीज मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो,
ठीक है, बहुत ज्यादा जो है वो आसान होगी, और उसको आप इजीली मार्केट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं चीजों के अंदर। पहली एग्जांपल, ऐसा बायर आया जो स्ट्रोंग था और उसने मार्केट को जो है वो ऊपर रखा, ठीक है, और मार्केट दोबारा उस एरिया के अंदर आई और उसके अंदर आते ही अगेन इंगल्फिंग बाय बन गई, और ऐसी इंगल्फिंग बाय बनी जो पीछे वाली टेकन कैंडल थी या रेड कैंडल थी इससे ऊपर आके उसने क्लोजिंग दी। सही है, ये देख रहे हैं, उससे टेकन से ऊपर आके क्लोजिंग दी, यानी कि इसका दूसरा मतलब ये बना कि आपने ये जो जोन मार्क किया हुआ था ये इंगल्फिंग बाय का किया हुआ था, ठीक है, तो अब जो क्लोजिंग मिली है वो इस जोन से बाहर मिली है। तो समटाइम इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं लाइव चार्ट के ऊपर भी आपको दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक इसके अंदर एग्जाम्पल इस तरह से भी हो सकती है कि यहां पर समझ लें, ये अभी जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये सेकंड आपने जो है वो इसको इंगल्फिंग समझना है, ठीक है, ये इस तरह भी हो सकती है कि यहां पर एक रेड कैंडल थी, रेड कैंडल के आगे इसको इस तरह से ले लेते हैं, ये एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और फिर अगेन एक ग्रीन कैंडल मिल गई, ठीक है, यानी कि इस तरह से भी हो सकती है कंडीशन, दो कैंडल्स मिलके भी ग्रीन कैंडल्स मिलके भी इसको इंगल्फ कर सकते हैं, लेकिन जब ये कंप्लीट इंगल्फ हो रही हो तो इंगल्फ करने वाली कैंडल जो है वो इस जोन से बाहर हो। आपकी जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, अभी जो आप पहले पहली या दूसरी कंडीशन की बेस पे ऑर्डर्स अपने एडवांस लगा चुके होते थे ना, अभी आपने थर्ड कंडीशन का वेट करना है, ठीक है, और ये थर्ड कंडीशन आपको मिलेगी, मार्केट आपको बहुत अच्छी ट्रेड देगी, लेकिन किस तरह वो आपने पूरी बात को समझना है, फिर आपको समझ लगेगी। इसकी इसकी समझ लग रही है आपको? यहां पर देखें, सेकंड को लेकर ना आपने कंफ्यूज नहीं होना, सेकंड जो यहां पर थर्ड नंबर की जो कंडीशन है ना, यानी कि जो सेकंड इंगल्फिंग बाय, इसको लेकर आपने कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर इंगल्फिंग बाय होनी चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ग्रीन बनी है ये भी रेड बन जाती है, तो भाई हमने तो फिर भी इंगल्फिंग बाय का ही वेट करना ना, फिर इंगल्फिंग बाय ये बन गई, फिर भी तो इंगल्फिंग बाय बन गई ना, ऐसी इंगल्फिंग बाय जिसने इसको एरिया से बाहर जो है वो क्लोज किया जाके ग्रीन कैंडल ने, यानी कि प्राइस का जोन को टच करना भी जरूरी है और बाहर क्लोज करना भी जरूरी है, ठीक हो गया, ये कंडीशन है। अब एक कंडीशन पहले वाली है कि जिसके अंदर एक सिंपल जो है वो कैंडल बन जाती है जिसने बाहर क्लोज कर दिया, और दूसरी कंडीशन जो है वो वाली है कि जिसके अंदर मार्केट ने आके बेशक दो तीन रेड कैंडल्स बना दी और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाई, तो तब भी उस जोन के अंदर इंगल्फिंग बाय बन गई, ठीक है, और इसके अंदर फिर एक जो कंडीशन है वो ये है कि रेड नीचे पड़ी हुई है और दो ग्रीन मिलके उसको जो है वो इंगल्फ कर रही है, और तीसरी कंडीशन जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने माइंड के अंदर रखनी है, वो ये है कि यहां पर इस जोन के अंदर क्या होता है कि एक रेड कैंडल जो है वो बनी है, वो रेड कैंडल जो है ना वो इस तरह से बनी है, देख रहे हैं, यानी कि वो आधी जोन के अंदर बनी है और आधी क्या है जोन से बाहर बनी है, ये रेड कैंडल, सही है। अब जो ग्रीन कैंडल बन रही है वो किस तरह बन रही है, वो इस तरह से बन रही है कि यहां से ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुई और यहां पर जाके जो है वो एंड होगी, सही है, अभी उसने कंप्लीट इसको इंगल्फ नहीं किया, ठीक है, अब सेकंड कैंडल यहां से स्टार्ट होती है और वो यहां से इस तरह से ऊपर निकल जाती है, सही है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि जो इंगल्फ किया है वो किस कैंडल ने किया है, सेकेंड कैंडल ने किया है, ठीक है, जो कंप्लीट इंगल्फ किया है वो इस कैंडल ने किया है ना, यहां पर आप देखें इस कैंडल ने कंप्लीट इंगल्फ किया है, लेकिन इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, याद रखें कि ये वो सीक्रेट्स है जो आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं, फिर मैं इसको चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ, इसको बताता हूँ कि दोनों डायरेक्शन की ट्रेड किस तरह से आपने लेनी है, ये जो सीक्रेट है वो ये है इसके अंदर के पहला दूसरा थर्ड के अंदर इंगल्फिंग बाय बननी चाहिए, ऐसी इंगल्फिंग बाय बने रेड कैंडल ग्रीन कैंडल जो है वो जोन से बाहर क्लोज हो,
चाहे रेड कैंडल बने, दो ग्रीन कैंडल उसको मिलके जो है वो बाहर क्लोज करें, और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक ऐसी रेड कैंडल बनती है जो आधी जोन से बाहर है आधी जोन के अंदर है। अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद सेकंड ग्रीन कैंडल ने उसको कंप्लीट इंगल्फ किया, लेकिन जब वो इंगल्फ कर रही थी तो यहां से ये प्राइस स्टार्ट हुई, इसने जोन को टच नहीं किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब ये इंगल्फिंग बाय बना रही थी तो इसने नीचे से जोन को टच नहीं किया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब इसने इस जोन को टच नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये वैलिड इंगल्फिंग बाय नहीं है। ठीक है, जो चीज हम अभी समझ रहे हैं ना उसके लिए ये वैलिड इंगल्फिंग बाय नहीं है। वैसे तो इंगल्फिंग बाय है, लेकिन जिस कंडीशन के साथ हम बात कर रहे हैं कि पहली इंगल्फिंग बाय, सेकंड एक्सपेरिमेंट, थर्ड इंगल्फिंग बाय और ऐसी इंगल्फिंग बाय जिसकी ये ग्रीन कैंडल, हाँ अगर ये ग्रीन कैंडल इस तरह से बनती कि इसकी जो विक थी यानी कि ये ऊपर से स्टार्ट हुई और इसकी विक जो थी उसको हम इस तरह से ले लेते हैं कि इसकी विक ऐसे जाके जोन को टच करके फिर इंगल्फिंग बाय बनाती, ठीक है, प्राइस पहले नीचे जाता और उसके बाद जाके इंगल्फिंग बाय बनाती, तो फिर हम कहते हैं ये वैलिड है। समझ रहे हैं? क्योंकि दोनों कैंडल्स जो इंगल्फ करने वाली हैं, इंगल्फ होने वाली कैंडल जो रेड कैंडल है और दोनों जो इंगल्फ करने वाली कैंडल है, तीनों की तीनों कैंडल्स जोन के साथ जो है वो टच कर रही हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी बताएं। पॉइंट क्लियर हुआ तो फिर आगे कंटिन्यू करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देने जा रहा हूं। इसका यस 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 मोस्टली जो यहाँ पर जो है वो जवाब आ रहे हैं वो यस यस के आ रहे हैं। हम इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आप इसकी जो है वो बेशक पिक्चर ले लें, 1 मिनट, पिक्चर जब मैं कहूंगा फिर लेना। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो इस तरह से, 1 मिनट जस्ट, ताकि आपके माइंड के अंदर ये चीज रहे। ठीक है, ये वैलिड नहीं है। उसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि यहां पर ये टच नहीं कर रही, सही है, ये वैलिड इंगल्फिंग बाय नहीं है। इस जोन की वैलिड इंगल्फिंग बाय वो है चाहे दो कैंडल्स मिलके इंगल्फ करें, चाहे एक कैंडल मिलके इंगल्फ करे, या चाहे रेड कैंडल आधी जोन के बाहर हो आधी अंदर हो, लेकिन ये जो कैंडल है इसका जोन के साथ टच होना जरूरी है। पिक्चर लेने, ठीक हो गया? आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसकी पिक्चर आपने ले लिया तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। अच्छा, इन कंडीशंस को चार्ट पेपर देखेंगे तो बहुत इजी है। अब इसके अंदर मैं लगा देता हूं इसकी विक, ऐसी विक जिसने इस जोन को टच किया हुआ है, चाहे तीन कैंडल्स मिलके करें चार कैंडल्स मिलके करें, लेकिन जोन के साथ जो है वो टच होनी चाहिए। अब ये सारी की सारी जो है वो ओके है, सही है, अब ये सारी की सारी क्या है, ओके है। अब इनकी जो है वो आप पिक्चर ले लें एक बार, सही है, अब ये सारी की सारी जो है वो वैलिड है इंगल्फिंग बाय, यानी कि इस जोन से बाहर प्राइस क्लोज किया हो, ऐसा प्राइस क्लोज हो जिसका इस जोन के साथ टच होना जरूरी है। आगे चले। अच्छा, इसका जो इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है, बताएगा आप में से कोई? इसके पीछे जो लॉजिक है वो क्या है? इसके पीछे जो लॉजिक है, एक सिंपल सी लॉजिक है, वो ये है कि यहां पर इस एरिया के अंदर जो बायर्स थे, ऐसे बायर्स थे जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे, जब मार्केट अगेन इस एरिया के अंदर आई है, ठीक है, और उसके बाद उसने प्राइस जब ऊपर जाके क्लोज की है, तो इसका मतलब है जिस तरह पहले से बायर्स यहां पर एक्टिव थे, पहले से बायर्स यहां पर स्ट्रोंग थे, अभी भी उसी तरह से स्ट्रोंग हैं, ठीक है, जिस तरह से पहले बायर्स यहां पर एक्टिव थे, बायर्स स्ट्रोंग थे, अभी भी बायर्स एक्टिव हैं और स्ट्रोंग हैं। ठीक है, जब एक इंगल्फिंग और उसके बाद उसी एरिया के अंदर ऐसी इंगल्फिंग जिसने प्राइस ऊपर आके क्लोज किया, प्राइस ऊपर क्लोज करने का मतलब यह है
कि जिस तरह यहां पर पहले बायर स्ट्रोंग थे, अब भी उतने ही बायर स्ट्रोंग हैं, क्योंकि जो इनगल्फ हो रही है उसका प्राइस ऊपर आके क्लोज हो रहा है सेकंड टाइम। ठीक है, ये इसका जो है वो सिंपल लॉजिक है। अब इसको मैं लेके चलता हूं आपको चार्ट के ऊपर, और वहां पर जाके आपके साथ जो है वो रियल एग्जाम्पल शेयर करता हूं, और इसके ऊपर दोनों डायरेक्शन की ट्रेड जो है वो किस तरह से मिलेगी। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट का बिहेव क्या होता है और उसके ऊपर ट्रेड किस तरह से मिलेगी वो आपको यहां पर जो है वो मैं दिखाता हूं। अच्छा, यहां पर जिन पेयर्स के अंदर मैं आपके साथ जो है वो ट्रेड करता हूं उनको, उनके अंदर तो मैं ट्रेड दे ही देता हूं। आप कोई ऐसे पेयर्स बताएं, अपनी मर्जी से बताएं, मैं उन पेयर्स को चूज करता हूं, उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि जिनके अंदर तो मैं ट्रेड करता हूं उनका तो जाहिर सी बात है कि वहां पर तो एक्यूरेसी है ही है। आप अपनी मर्जी से पेयर बताएं, गोल्ड, क्रूड ऑयल, ठीक है, इन पेयर्स को छोड़ के कोई पेयर बताएं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं। आप अपनी मर्जी से पेयर बताएं। अच्छा जी, अच्छा, जीबीपी, जेपीवाई, बहुत सारे दोस्त कह रहे हैं गोल्ड, कह रहे हैं गोल्ड को छोड़ दें। ठीक है, गोल्ड आप इसके बाद खुद भी जाके कर लेंगे, उसके अंदर तो मैं बहुत सारी ट्रेड देता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ। सीएचएफ, सीएचएफ के बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। बिटकॉइन का नहीं करेंगे भाई, बिटकॉइन का नहीं करेंगे, हम फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं, फॉरेक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और बताएं, जिनके अंदर मैं ट्रेड नहीं देता उनकी बात करें यहाँ पे। ठीक हो गया, चलें जी, एक एक कैट ले लेते हैं, और बताएं, मैं सबके अंदर आपको एग्जांपल दिखाता जाऊंगा, किसी एक स्पेसिफिक पेयर के अंदर आपको नहीं दिखानी। अच्छा जी, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मैसेज आ रहे हैं वो सीएचएफ के पेयर्स हैं, ठीक है, और जीबीपी के पेयर्स हैं। ठीक है, जीपी में हम जेपीवाई को लेंगे, उसके अंदर हम ट्रेड भी करते हैं, और सेकंड यह है कि बहुत वोलेटाइल पेयर है, और इसके साथ साथ गोल्ड नहीं के ऑयल भी नहीं बताए, ऑयल और उसको आप घर में बैठ कर खुद देखिए। ठीक है, कैड को ले लेते हैं, सही हो गया, कैड को ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहां पर अभी कौन सा, एक मिनट, ये एक मिनट, अच्छा, ये जीबीपी जेपीवाई है, अच्छा, इसको मैं डबल डायरेक्शन की ट्रेड मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो चीज आपने सेम में रखूंगी, इसको हम लेके जाएंगे H4 के अंदर। सबसे पहला टाइम जो इसके अंदर होगा वो आपका होगा, जितने भी दोस्त हैंड रेस कर रहे हैं वो अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो वहां पर लिख दें। ठीक है, अच्छा, ये चीज जो हमने देखनी है वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर देखनी है, H4 के अंदर। सबसे पहले हम यहां पर H4 जो है वो देख लेते हैं। जस्ट 1 मिनट, यहां पर ये कंडीशंस कंप्लीट आपके पास जो है वो हो रही होंगी। चार्ट के ऊपर आपके पास जहां पर ये कंडीशंस कंप्लीट हो रही होंगी वो मार्केट का एरिया जो होगा, ठीक है, स्पेसिफिक, वो अभी के लिए, ठीक है, और वो फ्यूचर के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, वो मैं आपको अभी बताता हूँ किस तरह से। सबसे पहले जो है वो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ये इनगल्फिंग सेल। अच्छा, इसके अंदर आप एक बात जो है वो अपने माइंड के अंदर रखें, वो ये कि जब एक इनगल्फिंग सेल बनती है और उसके बाद जब एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऐसा हो जिसके अंदर कैंडल जो है वो इस जोन से दूर दूर जो है वो क्लोज होती रहे, यानी कि बाहर मतलब के क्लोज होती रहे,
इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मार्केट जिस तरह से यहां पर ये टेस्टेड है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इंगल्फिंग सेल बनाई, इसको टेस्ट किया, फिर मार्केट चलेगी नीचे, एक्सपेरिमेंट कर रही है, लेकिन ये एरिया टेस्टेड है, सही है, और उसके बाद मार्केट ने यहां पर विक मारी, फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट इस तरह नीचे नीचे, तो इसका मतलब है इसको ये रिजेक्शन मिल रही है, ठीक है। जो टेस्टेड एरिया होता है ना, जिसको हम नहीं लेते, वो बेसिक इंगल्फिंग के अंदर होता है। अब मार्केट तीसरी बार यहां पर आती है और ये क्या करती है, यहां पर आके इंगल्फिंग सेल जो है वो बना देती है, तो याद रखे तब भी ये वैलिड है, यानी कि अगर एक दो बार इसको टेस्ट किया है और नीचे जाके एक्सपेरिमेंट किया है तो तब भी ये वैलिड होगा, क्योंकि एक तो ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर है, दूसरी इसके अंदर जो कंडीशंस हमने रखी हैं वो बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, मार्केट की डायरेक्शन के लिहाज से। अच्छा, अब इसको आगे लेके चलते हैं, सही है। अब ये मार्केट इस जोन के अंदर जब आएगी, अब इसको टच किया इसने, लेकिन इंगल्फिंग नहीं बनाई, लेकिन हमने इसको मार करके रखा हुआ है, सही है। अच्छा, यहां पर मार्केट आई है इंगल्फिंग, चलिए ये चेक करें अब। यहां पे मैंने इसी वजह से इसको रिवर्स किया था, ताकि करंट मार्केट के ऊपर जब आप आएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ लगेगा। यहां पर मार्केट ने इंगल्फिंग सेल क्लोज की, ठीक है, हमने क्या किया, उस इंगल्फिंग सेल को मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद यहां से ये टेस्टेड थी, यहां भी मार्केट विक लगा के गई है, नो इश्यू। जिस चीज के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर अगर मार्केट उसको आके विक लगा जाती है, और मतलब इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है, तो कोई बात नहीं है, सही है, मैं और भी एग्जांपल दिखाऊंगा, फिर चीजें और क्लियर होंगी। अब मार्केट यहां पर आई है, इस जोन के अंदर आने के बाद आपने वेट करना है ऐसी इंगल्फिंग सेल बने जो जिसकी कैंडल्स, सही है, जिसकी रैली, इसको हम कहेंगे कैंडल्स, ये पूरी की पूरी एक रैली है इसकी, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये चौथी कैंडल, अगर ये तीसरी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बन जाती तो ये बेकार हो जाती, ठीक है, ये पूरी की पूरी रैली जो है ये क्या कर रही है, जोन के बाहर जाके क्लोजिंग दे रही है, यानी कि इंगल्फ जो है वो तो यहां पर कर लिया इसने तीसरी कैंडल के अंदर, लेकिन जो चौथी कैंडल है वो सेम रैली की कैंडल है, ठीक हो गया, यानी कि रेड कैंडल ही है। अब इसने आके यहां से क्या कर दिया, जोन से बाहर क्लोजिंग दे दी, क्या हो गया, जोन से बाहर अब इसने क्लोजिंग दे दी है, समय लग रही है, साथ साथ आपको पूछना इसलिए जरूरी है कि मैक्सिमम के जवाब यस के अंदर होंगे तो आगे चलेंगे। अभी आप पेयर ना बताएं, मैं इसकी इंशाल्लाह टिकटॉक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स, आपका जो दिल करता है वो उन पेयर्स के अंदर मैं वीडियोस डालता जाऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, हर पेयर्स के अंदर आपके एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बिटकॉइन में भी डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है। समय लग रही है, यस नो जल्दी बताएं, आगे चलें, आपको जो चीज देने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वेट कर रहा हूं। अच्छा जी, ठीक हो गया, आगे चलते हैं, अभी पेयर छोड़े, आप बस ये बताएं आपको समय लग रही है। आपने क्या किया, एक इंगल्फिंग सेल जो है वो आपने मार की, और उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट के बाद मार्केट जो है वो दोबारा उस एरिया के अंदर आई, और आके उसने ऐसी इंगल्फिंग सेल बनाई जिसने क्लोजिंग जो है वो जोन से बाहर हुई, ठीक है, तो यहां से इंगल्फिंग सेल थी, एक मार्केट का जो है वो बहुत बड़ा ह्यूज एक्सपेरिमेंट था, जब मार्केट ने ह्यूज एक्सपेरिमेंट किया तो यहां पर हम सेल के लिए वैसे ही बैठते, लेकिन हम इसको मोर स्योर करना चाहते थे ट्रेड से ज्यादा, ये बात अपनी नोट कर लें, मेरी नोट कर लें अपने पास, ट्रेड से ज्यादा डायरेक्शन आपकी इंपॉर्टेंट होती है, डायरेक्शन आपको क्लियर होगी तो आपकी ट्रेड उस डायरेक्शन के अंदर मार्केट आपके अपोजिट भी आ जाएगी, तो फिर भी आपको दोबारा से जो है प्रॉफिट देने के चांसेस होंगे। रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर ट्रेड सही जगह पर भी लगी होगी तो मार्केट उस ट्रेड का असर जो है वो हिट कर सकती है। अब इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर कुछ तो ऐसे सेलर्स थे जिन्होंने इतना बड़ा मार्केट का एक्सपेरिमेंट करवाया और मार्केट को यहां से रिजेक्शन भी मिली, ठीक है, और ये रिजेक्शन मिले ना मिले, ठीक
ठीक है, आपने बस ये देखना एक्सपेरिमेंट उसका जो है वो हुआ है। अब उस जोन के अंदर आके मार्केट कैंडल क्लोज करना शुरू कर दे, वो फिर जो है वो एक बिल्कुल अलग चीज हो जाएगी। यहां पर क्या है, रिजेक्शन मिली है, ठीक है। अब मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर आती है और यहां पर आके इनगल्फिंग सेल मार्केट ने बनाई है, तो ये सेकंड थर्ड कंडीशन जो है वो कंप्लीट होगी। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और ये थर्ड कंडीशन। अब यहां पर हम मार्केट के अंदर जब भी मार्केट आएगी, यहां पर दो टाइप की ट्रेड मार्केट हमें देगी, समझ ले इसको। पहली जो हमें ट्रेड देगी वो सेल की ट्रेड यहां से हमें देगी, और जो सेल की ट्रेड देगी वो अच्छी सेल की ट्रेड देगी, स्ट्रॉन्ग सेल की ट्रेड देगी इस एरिया से, ठीक है। क्योंकि यहां पर हमारी कंडीशंस कंप्लीट है, प्राइस दोबारा से नीचे जोन के बाहर जाके क्लोज हो चुका हुआ है। इसका मतलब है जो पहले बायर्स थे, अब की बार उनको सेलर्स ने इंगल्फ किया था, अब की बार अगेन उस एरिया के अंदर दोबारा से जो सेलर्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग है और एक्टिव है, ठीक है। पहले जो हमें ट्रेड मिलेगी वो मिलेगी यहां पर सेल की, ठीक हो गया। आगे चलते हैं, ये मार्केट का क्या है, रिएक्शन है। जोन जो आपने लेना है, आपने इस जोन को लिया हुआ है, बाहर मार्केट ने जो है वो क्लोजिंग कर दी है, और उसके बाद मार्केट कितनी तेजी से इस इंगल्फिंग सेल को मार्केट ने टच किया है जस्ट, और टच करते ही मार्केट कितने पिप नीचे आई है, 230 पिप, 34 पिप ऑलमोस्ट, ठीक है। मार्केट का ये रिएक्शन है, ये मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर बताऊंगा, और इसकी अपोजिट ट्रेड भी आपको बताऊंगा किस तरह से लेंगे। अब ये एरिया आपके पास जो एरिया है ना, ये वाला जो मार्क किया हुआ, ये इंपॉर्टेंट एरिया आपके पास, ठीक है। सेकेंड टाइम चेक करें, सेकेंड टाइम मार्केट ने कितने पिप दिए यहां से, कंडीशंस कंप्लीट थी, अगेन 150 पिप दिए। मैं आपको वो चीज नहीं बता रहा जो आपको 20 पिप दे, 30 पिप दे, हजारों स्ट्रेटजीज पड़ी हुई है इस ईएमए को लगे तो इस तरह से 20 पिप मिल जाएंगे, 30 पिप मिल जाएंगे, नहीं। मैं आपको दे रहा हूं मार्केट के अंदर स्ट्रोंग एरिया जहां पर इंस्टीट्यूशनल बायर्स या सेलर्स बैठे हुए हैं, ये सेकेंड टाइम मार्केट का रिएक्शन है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया, प्राइस मार्केट के अंदर जो है वो इस जोन से बाहर जाके क्लोज हो गई, ठीक है। पहली बार मार्केट ने प्रॉफिट दिया, सेकंड टाइम प्रॉफिट दिया। अब इस जोन को छोड़ना नहीं है आपने, इस जोन को आपने पकड़ के रखना है, ठीक है। आप इसके अंदर कोशिश करें वन टाइम प्रॉफिट ले लें, ठीक है। सेकंड टाइम मार्केट अगेन इस एरिया के अंदर आती है, स्मॉल टाइम फ्रेम में अगेन इंगल्फिंग सेल देती है, जिस तरह के आपको H1 के अंदर या 30 मिनट के अंदर इंगल्फिंग सेल दे देती है, तो आप फिर सेल के अंदर बैठ जाए, स्टॉप लॉस आपका जो है वो इसके बाहर होगा, ठीक है। ये जो प्रीवियस आपका मार्केट जहां से रिजेक्शन लेके गई थी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। अब क्या किया मार्केट ने, सेकंड टाइम प्रॉफिट दे दिया, थर्ड टाइम आप इसके अंदर ना बैठे, लेकिन इस एरिया को जो है वो आप अपने माइंड के अंदर रखें, इसको अपने चार्ट के ऊपर लगा के रखें, ये फ्यूचर में काम आएगा। अब यहां पर क्या हुआ है कि मार्केट ने इसके अपोजिट साइड पे क्लोजिंग दी है। याद रखें कि जब मार्केट इसके अपोजिट साइड पे क्लोजिंग देगी, सही है, और उसके बाद फिर जाके मार्केट इस जोन को छोड़ के कैंडल क्लोज करेगी, ठीक है। चाहे एक ही कैंडल मार्केट इस जोन को छोड़ के क्लोज कर दे ऊपर, जिसका ये टच नहीं है, वो चाहे रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, इस जोन को मार्केट ने छोड़ के बाहर क्लोज किया। अब आपके लिए ये जो एरिया है ये बायर्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो चुका हुआ है, और यहां से मार्केट को बूस्ट लगेगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो बहुत बड़ा सेलर बैठा हुआ था, उसको बायर्स के, वो बायर्स के अंदर जो है वो अब कन्वर्ट हो चुका हुआ है, सही है। और यहां पर ये जो इंगल्फिंग बाय बनी है, ये इंगल्फिंग बाय जो है वो इंपॉर्टेंट है, सही है, क्योंकि यहां से मार्केट इस एरिया से जो है वो बाहर निकल गई है, सही है, और इसने बाहर जाके कैंडल क्लोज कर दिए। जब तक बाहर कैंडल्स क्लोज नहीं होती, आपने अपोजिट साइड की ट्रेंड नहीं देखनी, उसके अंदर क्या हो सकता है कि मार्केट इस तरह से ऊपर जाके कैंडल बनाए ग्रीन कलर की, और उसके बाद मार्केट जो है वो वापिस आ जाए, सही है, उसने एरिया को नहीं छोड़ा, सही है, और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसी तरह से वापिस आए, इसके नीचे जो है वो क्लोज करे, तो फिर याद रखे कि डायरेक्शन जो है वो मार्केट की द्वारा डाउन साइड की जो है वो हो जाएगी, सही है। आपने वेट ये करना है कि H4 की जो कैंडल
बाहर जाके इस एरिया के क्लोज हो रही है, उस कैंडल क्लोज होने के बाद फिर आपने इस एरिया के अंदर बाय की ट्रेड देखनी है। अपोजिट साइड पे बाय की ट्रेड देखने के लिए आपने सिंपल आ जाना है जीबीपी जेपीवाई के पेयर के अंदर। स्पेसिफिक आपको पेयर मैं बता रहा हूं, इसके अंदर आपने आ जाना है H1 के अंदर, ठीक है, H1 के अंदर आ जाना है। यहां पर जो भी आपको इंगल्फिंग बाय मिलती जाएगी फ्रेश, उसको आपने उसके अंदर आपने बाय के लिए जो है वो ट्रेड लेते जाना है। यानी कि इस जोन के अंदर जो भी आपको इंगल्फिंग बाय जो है वो मिलती जाएगी, आपने उसके अंदर अब बाय के लिए ट्रेड लेनी है। सही है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब ये जितना भी जो एरिया बन गया है ये किस चीज के लिए बन गया है, अब ये बायर्स के लिए बन रहा है। अब इसके अंदर जो प्रेशर है वो बायर्स का आ चुका हुआ है। नीचे से अभी जो देखें आप इंगल्फिंग बाय बनी है, ये रिएक्शन देखें मार्केट का, इसके ऊपर प्राइस को कैसे वहां से जो है वो रिजेक्ट किया है। अब एक नॉर्मल ट्रेडर के माइंडसेट से आप जब देखेंगे, ठीक है, जिसको इन चीजों का नहीं पता, वो क्या सोचेगा कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुकी हुई है, वो बोबो ट्रेडर्स होगा, ठीक है, वो रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर जो है वो हमेशा ट्रेड को ढूंढ रहा होगा। सही है, वो लॉजिक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा होगा। यहां पर लॉजिक्स क्या थी, एक सिंपल लॉजिक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको हम आगे लेके चलते हैं। सही है, अब यहां पर ये देखें, पहली जो ट्रेड थी यहां पर मार्केट लगी है, कितने पिप्स दिए हैं, 80 पिप्स मार्केट ने दिए हैं, क्योंकि अब यहां पर जो है वो डायरेक्शन चेंज हो चुकी हुई है, ये सेकेंड इंगल्फिंग बाय बनी थी। सही है, अब यहां से मार्केट आके टच की है, अब मार्केट अगेन सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो जा रही है, क्योंकि मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर जो है वो उनको तोड़ा है। सही है, अब मार्केट उसकी अपोजिट साइड पे जीपी जेपीवाई के अंदर H1 के चार्ट में आप देखेंगे इंगल्फिंग बाय के लिए जो है मूव कर रही है। और याद रखें कि ये जो इंगल्फिंग बाय है वो आपने कहां तक इसकी ट्रेड लेनी है, जब आप देख सकते हैं कि डे के अंदर वो इंगल्फिंग सेल जो है वो फ्रेश ना पड़ी हो चार्ट के अंदर ऊपर, वहां से मार्केट फिर क्या करेगी, डायरेक्शन को जो है वो अगेन चेंज करेगी। अब ये इंगल्फिंग बाय फ्रेश बनी है, इसके ऊपर देखते हैं क्या रिएक्शन है, मार्केट ऊपर निकल गई है। अब हमने इसको जो है वो एरिया को लगा के छोड़ दिया, ठीक है, ये नीचे पड़ा हुआ है। मार्केट के अंदर जो बाहर का प्रेशर है बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, क्योंकि नीचे मार्केट की जो मैंने आपको कंडीशन बताई है वो बायर्स का जो प्रेशर है वो उस वक्त नहीं टूटेगा जब तक डेली की कोई इंगल्फिंग सेल ऊपर ना पड़ी होगी, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम की, या सेम HH4 की यही कंडीशन मार्केट जो है वो कंप्लीट नहीं करती। सही है, जब एक चीज याद रखें कि जब मार्केट एक ऐसे जो है वो एरिया के अंदर आ जाए जहां पर डेली की इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है अपोजिट साइड पे, फिर आप उसके अंदर जो है वो बाय की ट्रेड को नहीं देखेंगे। ये देखें कितनी ऊपर आके इसने इंगल्फिंग बाय बनाई है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो प्रॉफिट दिया है। सही है, 50 पिप्स का। रीजन क्या है, ये रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है, एक मिनट पानी पी लो थोड़ा सा, ये रीजन सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये है कि डायरेक्शन जो है वो अपसाइड की है। सही है, अब आपको डायरेक्शन अपसाइड का किस तरह पता लगा, सॉरी, ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन मार्केट ने नीचे जो कंप्लीट की थी उसको ब्रेक किया है। सही है, ये कंडीशन नीचे स्ट्रॉन्ग है कंप्लीट की थी, पहले सेल के लिए वो एरिया यूज हुआ, जब वो सेल से मार्केट निकली है फिर उसको बूस्ट लगाया बाय का स्ट्रॉन्ग किस्म का, क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग किस्म के इंस्टीट्यूशनल सेल्स को जो सेलर्स थे उनको बायर्स के अंदर कन्वर्ट किया है। और ये वाली जो ट्रेड थी, ये वाली जो लास्ट ट्रेड मैं आपको दिखा रहा हूं, आप मेरे सिग्नल के साथ मैच कर सकते हैं, मैंने ये आपके साथ बाय के लिए ट्रेड भी शेयर की, ठीक है, ये लेटेस्ट ट्रेड थी, मैंने आपके साथ बाय के लिए ट्रेड शेयर की थी ग्रुप के अंदर, इसने हमें प्रॉफिट दिया था। आगे चलते हैं, ठीक है, इसको प्रॉफिट मिल गया।
अब ऊपर से ये चेक करें, दोनों जोन जो है वो साथ साथ पड़े हुए थे। ये उसी तरह से है जिस तरह से मैं आपको बताता हूं कि जब जोन साथ साथ पड़े हो तो मार्केट आपके सेकंड जोन को भी टच करने के लिए आ सकती है, सही है? तो यहां से अब देखें अगेन मार्केट ने, ये फ्रेश पड़े हुए थे नीचे, कितने पिप्स जो है वो दिए हैं, 70 पिप्स की यहां से जो है वो मूव दी है, ठीक है? और यहां से ऑलमोस्ट जो है वो 70 पिप्स की यहां से मूव दी थी मार्केट ने। क्यों? नीचे से एरिया जो है वो स्ट्रोंग इसने जो है वो फेल किया है। आगे चलते हैं, ये देखें अगेन मार्केट का रिएक्शन चेक करें अगेन उस एरिया के ऊपर, क्योंकि मार्केट के अंदर जो डायरेक्शन है वो किस साइड की है, अप साइड की है। ये अगेन उसने 50 पिप्स जो है वो दिए, ये हो गया। तो ये अभी हम करंट मार्केट के ऊपर आ गए, अभी ये एरिया जो है वो एक नीचे पड़ा हुआ है। डेली की इंगल्फिंग सेल से अगर ये नीचे की तरफ आती है तो फिर हम देखेंगे जो है वो वहां से सेलर्स के लिए जो है वो सेल के लिए ट्रेड को जो है वो देखेंगे। अब हम सेकंड पेयर के अंदर चलते हैं। अच्छा, सेकंड पेयर था हमारे पास यूएसडी जी। कैड है, अच्छा, इनकी जितनी एग्जांपल्स मैं आपके साथ इसकी जो है वो शेयर कर रहा हूं, ये आपने जाके देखनी है करेंसीज के अंदर, ठीक है? डिफरेंट करेंसीज के ऊपर ये आपने जाके देखनी है। लाइव एग्जांपल आपको बहुत सारी मिल जाएंगी डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के अंदर, जिस तरह से आपको बताया आपने उसी तरह से इसके ऊपर जो ट्रेड लेनी है। सही है, यहां पर ये एग्जांपल पड़ी हुई है, क्योंकि जहां पर ये कंडीशन कंप्लीट होगी ना, ये हर जगह पे कंडीशन ही आपको मिलेगी, जहां पर ये कंडीशन कंप्लीट होगी वो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा मार्केट के लिए। और जो हमने H4 का एरिया मार्क किया है, जहां से मार्केट ने जेपी जेपीवाई के अंदर किया है, उस एरिया के अंदर भी जब मार्केट वापिस आएगी, ठीक है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नहीं होता, नॉर्मल रूटीन के अंदर आती है, तो वहां उस एरिया पे आप मार्केट का रिएक्शन जो है वो देख लीजिए, ठीक है? इसको आगे लेके चलते हैं। यहां पर क्या हुआ है, इनगल्फिंग बाय बनी, सही है? यहां पर इनगल्फिंग बाय बन गई, पहली कंडीशन इनगल्फिंग बाय वाली है। अब इसको जो है वो हम आगे लेके चलते हैं, सही है? 1 2 3 कैंडल्स बाय क्लोज हो गई, ठीक है? फिर मार्केट ने जो है वो इसको रिजेक्शन दी। यहां पर ये चीज आप देखें, यहां पर ये रेड कैंडल जोन को टच कर रही है, ग्रीन कैंडल भी टच कर रही है, लेकिन जो थर्ड कैंडल है जो इसको इंगल्फ कर रही है, ये वाली कैंडल, ये जोन को टच नहीं कर रही, सही है? जिसकी वजह से ये वैलिड नहीं है। आगे चलते हैं, अब यहां पर ये चीज चेक करें, ठीक है? पहली इंगल्फिंग बाय H4 के अंदर, सेकंड इंगल्फिंग बाय H4 के अंदर। मैंने क्या कहा था, चाहे जोन से बाहर हो आधी, चाहे जोन के अंदर हो कंप्लीट, लेकिन उसकी जो रैली है ग्रीन कैंडल्स की, वो जोन से बाहर जाके क्लोज होनी चाहिए। अब यहां पर डबल कैंडल्स जो है वो H4 की क्लोज हो गई है, ठीक है? अब इसको आगे लेके चलते हैं। अब इस जोन को ये बाय के लिए वैलिड हो गया है, ठीक है? अगर मार्केट इस जोन को जो है वो डाउन साइड पे ब्रेक करेगी, तो इसके बाद ये सेल के लिए जो है वो काम करेगा, सही है? अभी ये बाय के लिए, आगे चलते हैं, ये चेक करें। पहली कंडीशन इनगल्फिंग बाय, एक्सपेरिमेंट मिनिमम 3 से 4 कैंडल्स, ठीक है? और उसके बाद अगेन जोन के अंदर आए, ऐसी इंगल्फिंग बाय बनाए जो इस जोन के बाहर जाके क्लोज हो, सही है? यानी कि उसकी रैली जो है वो बाहर जाके क्लोज हो। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस जोन के अंदर आएगी तो हम इसके अंदर बाय की ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है वो स्ट्रोंग बायर्स का एरिया है, ठीक है? क्योंकि मार्केट को यहां पर जो है वो 2 टाइम H4 के अंदर इनगल्फिंग बाय के साथ इस एरिया को जो है वो रिजेक्शन मिली है, तो ये एरिया स्ट्रॉन्ग बाय के लिए जो है वो एरिया है।
मार्केट इस एरिया के अंदर आई है, आपको जो है वो उसने बाय के लिए ट्रेड दी है, ठीक है, ये चेक करें कहां तक गई है। CHF जैसा पेयर जो स्लो चलता है उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट 90 पिप्स की जो है वो मूव मिली है। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आपको डिफरेंट पेयर के अंदर जो है वो मिलेंगे। लेकिन अपोजिट साइड पे जो ट्रेड लेनी है उसके लिए टाइम फ्रेम जो है वो अलग अलग है। सही है, अब ये करंट आज मार्केट, अब यहां पर आप चेक करें, यहां पर चेक करें, मैं क्या कहता हूं कि कुछ ऐसी ट्रेड होती हैं जो टच एंड गो ट्रेड होती हैं, उसके अंदर आपको जोन से बाहर 1-2 पिप्स बाहर जो है वो आपको ट्रेड पहली लेनी होती है और उसके बाद लेरिंग करनी होती है। सेकंड टाइम अगेन मार्केट इस जोन के अंदर आई है, यहां पर देख रहे हैं, सही है, और उसके बाद अगेन मार्केट को स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शन मिली है और मार्केट कहां पर गई है। ये सारा का सारा, ये जो आपको डबल इंगल्फिंग बाय विद H4 बाहर क्लोजिंग के साथ जो सीक्रेट बताया है, ये वो काम कर रहा है। सही है, ऐसे ही मार्केट ऊपर नहीं जा रही, ये फुटप्रिंट है इंस्टीट्यूशंस के जो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। यहां पर आप में से कितने लोगों ने ढूंढा, नहीं ढूंढा, लेकिन मुझे यहां पर सेल की भी एग्जाम्पल जो है वो मिल गई है। सही है, यहां पर ये इंगल्फिंग सेल जो है वो बनी थी। सही है, H4 के अंदर इसको हम रेड कलर में ले लेते हैं। देखें, आज जिस चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं ये चीज है डायरेक्शन के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब ये चीज मार्केट के अंदर पड़ी होगी तो आपको पता होगा कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो क्या है। सही है, अगर नीचे पड़ी हुई है, मार्केट नीचे जा रही है तो बाय के लिए है, ऊपर पड़ी है तो सेल के लिए, जाहिर सी बात है। फिर जिस तरफ जोन सी भी एरिया ब्रेक होगा तो मार्केट की डायरेक्शन जो है वो उस तरफ कंटिन्यू कर जाएगी। अब आप अपनी ईमानदारी से बताएं, इससे ज्यादा इजी चीज कोई हो सकती है? अब आपको एक एरिया जो शायद 4 दिन पहले, 5 दिन पहले आपको मार्केट में मिल जाए, आप लगा के बैठे हुए हैं कि ये सिग्नल मेरा एक पड़ा हुआ है स्ट्रोंग किस्म का, जब मार्केट यहां पर आएगी तो मैंने इसके ऊपर ट्रेड लेनी है। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल मार्केट के जो कि 10% से भी कम चांस है कि अगर ऐसे एरिया के अंदर आपका पहली बार में स्टॉप लॉस हिट कर देती है, तो सेकेंड टाइम आपने उस कंडीशन को माइंड में रखना है कि 1H4 की कैंडल बाय में इस जोन को छोड़ के ऊपर क्लोज हो, उसके बाद आपने सेकेंड डायरेक्शन के अंदर जो है वो उसी पेयर के अंदर ट्रेड लेंगे तो ऐसा फौरी तौर पे जो है वो रिकवर होगा। सही है, अब यहां पर क्या हुआ, कंडीशन कंप्लीट हो गई, पहली इंगल्फिंग सेल, पहली इंगल्फिंग सेल, सही है, और उसके बाद इस जोन से बाहर ऐसी इंगल्फिंग सेल जिसने पहले वाले की यानी कि इंगल्फिंग सेल भी कंप्लीट हो गई और जोन से बाहर भी आ गई और 3 कैंडल्स भी बाहर क्लोज कर दी, सारा एक्सपेरिमेंट हो गया कंप्लीट। अब ये एरिया हमारा जो है वो सेल के लिए होगा जब तक मार्केट इस एरिया को ब्रेक नहीं करती, ये नीचे से उधर से ही आई थिंक जो है वो बाय बना के आएगा, ये इस जोन के अंदर मार्केट आई, ये रिएक्शन चेक करें। अब आप बताएं, आपने अपना फीडबैक इस चीज के ऊपर जरूर देना है अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी ज्यादा जबरदस्त किस्म के ऐसे सीक्रेट्स आपके साथ every 15 days, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ऐसे वेबिनार्स महीने के बाद होने चाहिए या 15 दिन के बाद होने चाहिए। उसकी रीजन यह है कि आपने भी तो माइंड के अंदर चीजें रखनी है ना, गड़बड़ ना हो जाए सारी चीजें। जल्दी से अपना फीडबैक दें, अगले वेबिनार के यहीं पर डिसाइड करें, जल्दी से भाई, हर रोज नहीं हो सकता, यहां पर मैक्सिमम कह रहे हैं वीकली, एवरी डे, 7 डेज। अच्छा जी, जो 2 महीने ऑप्शन दिए हैं, अच्छा 7 डेज का आ रहा है मोस्टली और 15 दिनों का आ रहा है, महीने के ऊपर कोई भी एग्री नहीं है। तो कोशिश मैं करूंगा कि एवरी वीक कर सकूं आपके साथ, अगर आपके 300+ मैसेज जो है वो अभी लगे हैं एकदम से और सब 7777 एवरी वीक, एवरी वीक, एवरी वीक 777, ये चीज बता दूं मैं आपको कि इन चीजों के ऊपर आपने काम कर लिया, जस्ट इन चीजों के ऊपर, तो ये मार्केट कभी भी आपको हरा नहीं सकती, ये बात मेरी नोट कर ले।
मैं जो एडवांस चीजें आपको देख रहा हूं, इससे एडवांस चीजें इस मार्केट के अंदर शायद ही आपको कोई दे, इतनी इजी और इतनी एडवांस सिंपल रूल्स के साथ। आगे चलते हैं, सेकंड टाइम देखें। पहली बार मार्केट का रिएक्शन क्या था इस जोन के अंदर से? मार्केट कितना नीचे आई, यहां पर 50 पिप्स सीएचएफ जैसे पेयर के अंदर। और सेकंड टाइम मार्केट आप लेयर के साथ बैठते हैं तो फिर कितना नीचे आई, ये आप देख लें, अगेन 50 पिप्स जो है वो मार्केट नीचे आई। और देख रहे हैं कैसी मार्केट के अंदर जो है वो उसको रिजेक्शन मिली है, 100 पिप्स। ये एरिया जो है ना, ये एरिया, ये फ्यूचर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो तब भी इसकी वैल्यू रहेगी। थर्ड टाइम रिजेक्शन देख रहे हैं आप। अब आपको अगर ये चीज एडवांस पता हो, चार्ट के ऊपर आप लगा के बैठे हो, ठीक है, तो फिर आप बताएं। और ये H4 का एरिया है, 30 मिनट का H1 का एरिया नहीं है कि मार्केट इसको इतनी आसानी से ब्रेक कर जाएगी। कंडीशंस कंप्लीट हुई, आप लगा के बैठ गए, जब तक इस एरिया को ब्रेक नहीं कर रही, मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहली दफा आप ट्रेड लें विदाउट किसी भी कंफर्मेशन के। मार्केट आती है आप ट्रेड ले लें। सेकंड टाइम आप स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर देख लें, 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर इंगल्फिंग सेल बन जाए सेम एरिया के अंदर, फिर सेल के अंदर ट्रेड ले लें। थर्ड टाइम बेशक आप अवॉइड करें, लेकिन इस एरिया को लगा के रखें। अब इसने पहली बार 50+ पिप्स दिए, फिर 90 पिप्स दिए, फिर 50 पिप्स दिए, ठीक है। अब यहां पर आपने देखा होगा कि जीबीपी जेपीवाई के अंदर भी उस एरिया को जब ब्रेक किया था तो एक इंगल्फिंग बाय बनी थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर मार्केट के लिए मुश्किल हुई पड़ी। अब इसको जो है ना वो एरिया को ब्रेक कर दिया, अब इसको जाके इसके अपोजिट साइड पे ट्रेस देखते हैं, नीचे देख लेते हैं। कंडीशन सेम होनी चाहिए, ये एक बिल्कुल साफ कैंडल पड़ी हुई है, इंगल्फिंग सेल, ये आप देख लें, ठीक है। इसको इधर लगा रहने दें, ये देखें, सही है, ये देखें। यहां पर तो मार्केट ने पहली बार जो है वो इंगल्फिंग सेल बनाई थी, यहां पर सेकंड टाइम बनाई थी। यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करें। यहां पर जब हम सेकंड जो है वो इससे पहले एग्जांपल को देख रहे थे, यहां पर इंगल्फिंग सेल बनी थी और उसके बाद सेकंड इंगल्फिंग सेल ये बनी थी, तो हमने यहां से ट्रेड ली थी, फिर यहां से ली थी, फिर यहां से ट्रेड ली थी, 3 बार ट्रेड ली थी। लेकिन एक इंगल्फिंग सेल ये पीछे भी पड़ी हुई है, सही है, ये वाली एक, ये भी इंगल्फिंग सेल जो है वो पड़ी हुई है। अब इसका भी तो सेम रिएक्शन होना चाहिए ना। मार्केट ने यहां पर आके सेम जोन के अंदर इंगल्फिंग सेल जो है वो बना दी, ठीक है। और उसके बाद आप मार्केट का जो है वो रिएक्शन देख लें। अच्छा, यहां पर अगर आप इसको देख रहे हैं, अगर आप इस कैंडल को देख रहे हैं इंगल्फिंग सेल के लिए, तो ये इनवैलिड है, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ये किस तरह से इनवैलिड है, वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, ऐसी इंगल्फिंग सेल बने या इंगल्फिंग बाय बने कि जब वो इंगल्फ हो रही हो तो उसकी सारी की सारी कैंडल जो है वो एरिया को टच हो। अब इसको यहां पर हम देख लेते हैं, ये अपने बात जो है ना वो माइंड के अंदर रखनी है, इसको इंगल्फ कौन सी कैंडल कर रही है, ये मैंने तीसरी लगाई है ये अभी आपके सामने, इसको कौन सी कैंडल इंगल्फ कर रही है, इसको जो इंगल्फ कर रही है वो ये कैंडल कर रही है, सेकंड कैंडल के अंदर इंगल्फ नहीं हुआ, सही है, ये कैंडल इंगल्फ कर रही है। जब ये कैंडल इंगल्फ कर रही है तो इसकी विक का इस एरिया के साथ टच होना जरूरी है, समझ रहे हैं। अदरवाइज मार्केट जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो जोन के जो है वो बाहर जाए। अब इसके अंदर बाहर गई है, उसकी रीजन क्या है कि ये इनवैलिड सेटअप है। अब ये मार्केट टच करके रिजेक्शन मिल गई, लेकिन इसकी बेस पे यहां पर ट्रेड नहीं हम लेंगे, हम वेट करेंगे। अब मार्केट ने
यहां पर आकर जो इनगल्फिंग सेल बनाई है ये वैलिड है, देख रहे हैं, ये वाली जो है वो वैलिड है, इसको वैलिड हम नहीं कहेंगे, समझ लगी इस चीज की, क्योंकि ये विक इस एरिया के साथ टच नहीं है, और इनगल्फ करने वाली थर्ड कैंडल थी, यहां पर इनगल्फ करने वाली सेकंड कैंडल है और वो एरिया के साथ टच है, कंडीशंस कंप्लीट हो गई, पहली ट्रेड इसने यहां से दी, दूसरी ट्रेड यहां से दी, और उसके बाद इसकी भी कंडीशन कंप्लीट हो गई, आगे इसकी ट्रेड मिली, अब कितनी ट्रेड मिली दो सेटअप्स की, एक ही एरिया के अंदर, पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, चौथी ट्रेड, पांचवी ट्रेड, सही है, ये देखें यहां पर पांचवी ट्रेड आपको मिली, फिर उसके बाद यहां पर छठी ट्रेड मिली, यहां पर फिर मार्किंग ने फेंका, अब इसके बाद क्या कर दिया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया, अब इसके लेटेस्ट एरिया यही पड़ा हुआ, इसको देखते हैं, अब इस एरिया के बाहर मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, अब कौन सी कंडीशंस कंप्लीट होनी चाहिए, एरिया के बाहर एक कैंडल जो है वो क्लोज हो, एरिया को छोड़ के, अब इसके अंदर क्लोज नहीं हुई, ठीक है, क्लोज देखें अपोजिट साइड की ट्रेड के लिए क्लोज होना जरूरी है, मैंने क्या कहा था, आप अगर क्लोज नहीं होगी उससे पहले ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, हो सकता है कि मार्केट इतनी मूव आपको दे दे, वो आपका एक लक होगी, ठीक है, लेकिन वो इस कंसेप्ट के जो मैं आपको दे रहा हूं इसके अपोजिट चीज है, और मैं ये भी बता दूं कि अगर मार्केट इसके अंदर आपको सेल के अंदर फंसा भी देती है, फॉर एग्जाम्पल आप बाय मिस्टेक पांचवी दफा फिर सेल के अंदर बैठ गए, तो मोस्टली ऐसा होगा कि मार्केट आपको चांस देगी अगेन निकलने का, जोन को मार्केट अगेन रीटेस्ट करने आएगी, चांस देगी निकलने का, आगे लेके चलते हैं इसको, देखते हैं, अभी तक जो है वो इस एरिया के बाहर मार्केट नहीं गई, अब यहां पर जाके जो है वो इसने बाहर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, ये एरिया से बाहर जाके एक कैंडल ने जो है वो बाहर जाके क्लोजिंग दे दी है, कंडीशन कंप्लीट हो गई, जहां पर कंडीशन कंप्लीट नहीं थी देखें मार्केट कहां तक आई है नीचे, अब इसके बाद आगे रिएक्शन देखते हैं, मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है, लेकिन उसके चांस जो है वो नीचे आने के इस जोन के बाहर वापिस वो बहुत कम है, ठीक है, अब इसको हम लेके चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, अब ये जो है वो थोड़ा सा स्लो है, इसको हम 30 मिनट के अंदर ले जाते हैं, जीपी जेपीवाई के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से हम उसको जो है वो लेके जा रहे थे H1 के अंदर, इसको जो है वो हम 30 मिनट के अंदर देखते हैं, अच्छा आगे लेके चलते हैं, अब हमने जो फ्रेश इंगल्फिंग बाय है जोन के अंदर वो देख लेते हैं, ये भी अच्छा आगे देखते हैं वहां भी साग बनाती है कि नहीं, आगे चलते हैं, ये मार्केट नीचे चली गई, हमने वेट करना है इंगल्फिंग मिले हमें यहां पर फ्रेश इंगल्फिंग बाय के लिए, ठीक है, कंडीशंस आपके सामने मतलब क्या आप देखते जा रहे हैं, ये पड़ी हुई है, अब यहां पर अब एक चीज नोट करें, ना ये इंगल्फिंग बाय फ्रेश थी क्योंकि इस एरिया को यहां पर टेस्ट किया हुआ था, ना ये इंगल्फिंग बाय टेस्ट फ्रेश थी क्योंकि इसको यहां पर मार्केट ने टेस्ट किया हुआ था, सही हो गया, यहां पर जो हमारे पास इंगल्फिंग बाय फ्रेश थी क्योंकि ये बनी है ऊपर से इसको टेस्ट कर दिया है, अपोजिट साइड पे जो मैं टाइम फ्रेम आपको बता रहा हूं उसके अंदर आपने वो वाली इंगल्फिंग बाय लेनी है जिसने एक्सपेरिमेंट किया हो, ठीक है, जिसने एक्सपेरिमेंट किया हो, अब अपोजिट साइड पे डायरेक्शन मतलब कि उसकी कंडीशन चेंज है, यहां पर जो इंगल्फिंग बाय पड़ी हुई थी फ्रेश वो यही वाली थी, किस तरह यही वाली थी, अब इसको हम मार्क करके देखते हैं कि इसका एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट था, इस जोन को भी टच कर रही थी, सही है, जहां पर आप इसको जो है वो देखें इस इंगल्फिंग बाय को, सिर्फ यही ऐसी इंगल्फिंग बाय थी जो एक फ्रेश इंगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई थी, ठीक है, इसको यहां से अगर बिल्कुल इस तरह से इसको जो है वो टेस्ट किया हो जिस तरह से बिल्कुल ऐसे करीब से गई हो, मैं इसको इस तरह बता भी देता हूं आप कंफ्यूज ना हो, ऐसे टेस्ट किया हो यहां पर ये जोन शुरू हो रहा है और बस इसको इस तरह से टेस्ट किया है और मार्केट चली गई है, ठीक है, 30 मिनट के अंदर, और एक्सपेरिमेंट उसका अच्छा है, एक्सपेरिमेंट इसकी जो है वो कंडीशन मस्त है, जोन के बाहर H4 की एक कैंडल ने जोन के बाहर छोड़ के क्लोज किया, अब इस जोन के अंदर ऐसी इंगल्फिंग बाय देखनी है 30 मिनट के अंदर,
USDCHF के अंदर जिसका एक्सपेरिमेंट हो, जिस तरह के इसका एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, आपने वहां पर बाय के लिए जो है वो बैठ जाना है, सेम जो है वो आपने क्लियरिंग करनी है बाय के लिए, सही है, ये चेक करें। अब मार्केट ने यहां से कितने पिप्स दिए, जीपी जेपीवाई के अंदर, यही चीज हमने H1 के अंदर देखी थी, कोई मुश्किल नहीं है, वही चीज CHF के अंदर हमने आके सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के अंदर देखी है, आपको इतनी ट्रेड मिलेंगी इंशाल्लाह, और इतनी एक्यूरेट ट्रेड मिलेंगी कि आपका जो ब्रोकर है वो एक बार परेशान हो जाएगा कि पहले तो इसने कभी इतना प्रॉफिट नहीं मारा और आज जो है ये बहुत प्रॉफिट मारा है और इसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है, सेकंड बाय जो है वो ये बना के गई है मार्केट, ठीक है, अब इसका भी एक्सपेरिमेंट मार्केट करके गई है। आ रही आ रही आ रही, ये चेक करें कैसा रिएक्शन मिला, सही है, क्योंकि H4 की कैंडल इस स्ट्रोंग इंस्टीट्यूशनल जो सेलर का एरिया था उसके अपोजिट साइड पे जाके बाय सस्टेन हो गए हैं। क्लोजिंग बाहर करने का मतलब क्या है, एक कैंडल छोड़ के कि वहां पर हमने ये देखना है कि ये जो बायर्स आए हैं ये स्ट्रोंग है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि सेलर्स दोबारा उसको अपनी तरफ कन्वर्ट कर लेंगे। जब H4 की एक कैंडल बाहर क्लोज होगी इसका मतलब है 4, 6, 8 घंटे मार्केट इस जोन के बाहर रह चुकी हुई है, तो इसका मतलब है कि वो अब सस्टेन कर गए हैं यहाँ पे, तो अब हमने अपोजिट साइड पे ट्रेड जो है वो बाय की देखनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब यहां पर आप देखें इसका अगरचे जो एक्सपेरिमेंट था वो कम था, इस इनगल्फिंग बाय का, इसको भी यहां से मार्केट दे गई है, ये देखें इसको यहां से दे गई है, ठीक है, उस जोन के अंदर मार्केट जो है वो मुश्किल से आती है, फिर ये एक इनगल्फिंग बाय जो है वो पड़ी हुई है, इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पे, मैं और पेयर के अंदर भी लेके जाऊंगा उसकी भी टर्म्स बताऊंगा, तो 3 पेयर आपके पास हो जाएंगे, बाकी आप अपनी बैक टेस्टिंग से चीजों को जो है वो मजीद निखारेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह जो है वो इससे बिल्ड होगा। अभी हम करंट मार्केट के ऊपर आ गए हैं, ये मार्केट का आप रिएक्शन चेक करें, यहाँ पे कितने पिप से जो है वो ट्रेड छोड़ के भागी है, एक दो पिप भी पूरे नहीं है, या आप 2 पिप कह रहे हैं भाई, फिर आप 2 पिप, 2-3 पिप का मैं वैसे भी आपको कहता हूँ, 2 से 3 पिप्स अपनी ट्रेड जो है वो बाहर रखें, पहली ट्रेड 2 से 3 पिप जोन से बाहर रखें, एक फिर जोन के मिड में रखें, एक फिर जोन के एंड में रखें। अब यहां पर कितनी अपोजिट साइड की ट्रेड मिली, पहले उस साइड की ट्रेड मिली H4 का स्ट्रोंग था, कंडीशंस कंप्लीट थी, जहां पर कंडीशंस कंप्लीट नहीं होंगी याद रखें वहां पर मार्केट के अंदर आप जबरदस्ती घुसेंगे तो मार्केट आपको जो है वो फिर लॉस देगी, एक दो और ये 3 3 ट्रेड मिली है, और इसके अंदर ये जो था इसका एक्सपेरिमेंट इतना बड़ा नहीं था, 2 कैंडल्स का था, लेकिन इसको भी मार्केट ने दिया, लेकिन हम उसी तरह वेट करेंगे उसके अंदर। अब यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आप नोट करें, वो ये कि ये इंगल्फिंग सेल बनी थी, अब जिसने एक सिंपल इंगल्फिंग सेल सीखी हुई है ये इंगल्फिंग सेल थी, सही है, और वो इन कंडीशंस का या इन सिकर्स का उसको नहीं पता था, और वो यहां पर सेल के लिए बैठता है, तो उसको तो मार्केट ने स्टॉप लॉस दिया दिया कि नहीं दिया, तो जब आप डायरेक्शन की तरफ बैठे हैं तो मार्केट आपको कैसे जो है वो लॉस देगी, ठीक हो गया, ये बातें समझ लग रही हैं आपको, जल्दी बताएं ये बातें समझ लग रही हैं, मैं कहता हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन चीजों के ऊपर अगर आपने बैक टेस्टिंग कर ली, और ये मेरे वर्ड्स आप याद रखें, डॉलर फैक्ट्री क्लब के साथ अगर आप अटैच रहे, ठीक है, अगला 6 महीने सिर्फ और सिर्फ आप अटैच रह गए, और आपने इसी तरह से जो मैं ये ट्रेडर सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया इसके आपने हर वेबिनार को आपने अटेंड किया, तो आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, आपकी जो कम्युनिटी है, जो ट्रेड्स करते हैं लोग आपके इर्द गिर्द वाले, जो आपकी कम्युनिटी है, जो आपके फैलो हैं, उनके अंदर इंशाल्लाह आप मास्टर ट्रेडर जो है वो होंगे, आपका एक नाम होगा, आप ऐसे ट्रेडर्स होंगे लोग हैरान होंगे कि यार जहां से आप बताते हो वहां से मार्केट मूव कर जाती है, क्या गिदड़ सिंह आपके पास, ठीक है, तो ये DFC कंसेप्ट के अंदर जो चीजें निकाली हैं मैंने या मेरी टीम ने बैठ के, तो हमने पता नहीं कितनी रातें जागी हैं इसके पीछे, और हमने कितना टाइम मार्केट को जो है वो दिया है, और हमने कितनी डायरीज जो है वो बढ़ी है, इन कंडीशन, ये कंडीशन ऐसे ही एकदम से नहीं आ जाती, ये मार्केट को टाइम दे दे के काम कर करके इन चीजों के ऊपर के मार्केट यहां पर आती है, तो ऐसा क्यों करती है,
एक एक्सपेरिमेंटल इंगल्फिंग को मार्केट स्टॉप लॉस देती है तो क्यों देती है, उसकी क्या रीजन है, उसके पीछे अगर 3 घंटे लगे हैं तो 3 घंटे स्क्रीन से नहीं उठे हम, हमने टाइम दिया है उसकी, हमने जब तक उसका आंसर हमें नहीं मिला हमने नहीं छोड़ा। ये रीजन है कि इतनी एक्यूरेसी वाली चीजें जो है वो मैं आपको यहाँ पर आज दे रहा हूँ, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आप इस ग्रुप का पार्ट रहे, आप पेड ग्रुप के अंदर नहीं है मैं नहीं कहता, आप कोर्स बाय ना करें, वो तो मैंने भी वैसे भी नहीं करवाना आगे, लेकिन अगर आप इस ग्रुप का हिस्सा रहे सिर्फ इस माइंडसेट से कि मैंने सीखना है, तो इंशाल्लाह ये ग्रुप आपको अगले 6 महीने के अंदर ऐसी ऐसी चीजें देगा, ऐसी ऐसी जो है वो इंशाल्लाह जो है वो सीक्रेट्स देगा मार्केट के, आपके ब्रोकर के अंदर और सक्सेसफुल ट्रेडर होना हो, आप जरूर सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे, ठीक है। और सारे ट्रेडर्स को जो है वो मार्केट ब्रोकर जो है वो लाइक लेता होगा, आपको इंशाल्लाह लाइक नहीं लेगा, उसको पता है ये जब भी ट्रेड डालेगा ये अकाउंट फ्लिप मारेगा, तो इसकी ट्रेड के ऊपर जो है वो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी जल्दी समय लग जाएगी उतना आपके लिए जो है वो अच्छा है। हम एक और पेयर के अंदर चले जाते हैं, जीबीबी जेपीवाई के अंदर H4 की एग्जाम्पल दी, अपोजिट साइड पे H1 की, कंडीशन आपने नहीं भूलनी, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यूएसपी सीएचएफ के अंदर है क्योंकि सीएचएफ के डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स बता रहे थे, मैंने पेयर मेन पेयर जो है वो उठा लिया। इसके अंदर H4 की एग्जाम्पल्स ली, कंडीशंस कंप्लीट थी, अपोजिट साइड पे ब्रेक किया, 30 मिनट के अंदर अपोजिट साइड की कंडीशंस कंप्लीट की, मार्केट ने आपको बायर्स की ट्रेड दी उस जोन के करीब करीब, ठीक है। उस जोन से जब मार्केट दूर होती जाए तो आपने ये देखना है कि अब सेलिंग का कोई स्ट्रॉन्ग एरिया तो नहीं पीछे आ रहा डेली के अंदर, ठीक है। वहां से जाके फिर आपने बाय के अंदर नहीं बैठना, वहां पर फिर आपने सेलिंग के अंदर बैठना है, उसी तरह जो फिल्टर इनगल्फिंग आपको पीछे जो है वो सिखाई हुई है। अब इसको हम ले जाते हैं तीसरे पेयर के अंदर, अगर आप बोर हो रहे हैं तो छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, बोर हो रहे हैं तो छोड़ देते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं कंटिन्यू करूं इस टाइम तक, स्टिल हमारे पास जो जब हमने स्टार्ट किया था तो 900 जो है वो 60 के करीब, सॉरी 65 के करीब जो है वो थे हमारे साथ मेंबर्स, इस टाइम हमारे साथ जो मेंबर्स मौजूद है 850 के करीब है, ठीक है, 800 जो है वो 66 जो है वो मेंबर्स इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट वेबिनार के अंदर डिस्कस करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी बताएं, जवाब ज्यादा लोग जवाब नहीं देंगे तो फिर इसको इंशाल्लाह से यहीं पर खुदा हाफिज कह दूंगा, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं बार बार वही नाम आ रहे हैं सामने, 30 40 वही नाम घूम घूम के आ रहे हैं जो कह रहे हैं कंटिन्यू करें कंटिन्यू करें, नए नाम आएंगे तो आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, इस टाइम तक मेरे पास जो ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर के अंदर इतने मैसेज आए हैं 3000+ जा रहा है, और एवरी मिनट सॉरी एवरी 10 सेकेंड 100 मैसेज आ रहे हैं। बस ठीक है कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी कंटिन्यू करते हैं, बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं कंटिन्यू करने के, ठीक है कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। हम नया पेयर जो है वो ले लेते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी, वो पेयर जो है वो हम उठा लेते हैं। ये कुछ पेयर जो होते हैं ना वो वैसे ही डायरेक्शनल जो है वो मूव करते हैं, उसके अंदर जो है वो आपको यूरो जेपीवाई मिलेगा, एनजेडडी मिलेगा पेयर, ठीक हो गया, कुछ इस तरह के पेयर हैं। तो कैट भी अच्छा जो है वो मूव करता है, इसको हम ले जाते हैं H4 के अंदर सबसे पहले, ये तो बहुत ही ज्यादा यहां पर हम जो है वो ले लेते हैं कैंडल, देख लेते हैं कहां पर इसकी जो है वो कोई कंडीशंस कंप्लीट हो रही है, जहां पर कंडीशंस जो है वो कंप्लीट होती है उसके बाद फिर मार्केट का पूरा जो होता है ना, यहां से ले लेते हैं, मार्केट की
जो डायरेक्शन है मैंने स्टार्टिंग के अंदर कहा था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वेबिनार के बाद भी आप अगर बोबो ट्रेडर्स रहेंगे, मैंने ये चीज देखी, तो फिर इसके अंदर कसूर जो है ना वो 110% आपका है। अच्छा यहां पर ये H4 के अंदर इंगल्फिंग बाय बनी, इसको आगे लेके चलते हैं। इसने एरिया को टेस्ट कर दिया, यहां पर देख रहे हैं ठीक है। मैंने क्या कहा था, एरिया को टेस्ट कर दिया, अब यहां पर इंगल्फिंग बाय बनी है, लेकिन ना ये एरिया को टच है ना ये एरिया को टच है, और ये तो इंगल्फिंग बाय वैसे नहीं बनी, ये रेड वाली के साथ जो ग्रीन बनी है, तो यहां पर अभी कंडीशन कंप्लीट नहीं हुई। इंगल्फिंग बाय तो बनी है, लेकिन जो जोन है इसको ना ये कैंडल टच है रेड वाली, और ना जिसने इंगल्फ किया सिर्फ एक कैंडल टच है, इस वजह से हमारी कंडीशन अभी कंप्लीट नहीं हुई। हम इसका वेट करेंगे कंडीशन कंप्लीट होने का। मार्केट एरिया के अंदर आई, अभी यहां पर क्या हो गया, कंडीशन कंप्लीट हो गई, ठीक हो गया। यहां पर कंडीशन जो क्या होगी, कंप्लीट इंगल्फिंग बाय, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 कैंडल्स बाय H4 की, अगेन उस एरिया के अंदर आई इंगल्फिंग बाय, ऐसी इंगल्फिंग बाय जिसने अपोजिट साइड पे जाके सॉरी सेम डायरेक्शन के अंदर इस रेड कैंडल से टेकन कैंडल से मार्केट ने ऊपर जाके क्लोज कर दिया। अब इसके अंदर आपकी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब जब भी मार्केट इस एरिया के अंदर आएगी, पहली बार जो ट्रेड होगी हम डायरेक्ट मार्केट के अंदर एंटर करेंगे, क्योंकि मोस्टली पहली बार मार्केट आपको मौका नहीं देगी, या उस एरिया के अंदर आप बैठे के छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट जो है वो इंगल्फिंग बाय बनाएगी तो फिर मैं लूंगा। जब ऐसी कंडीशन कंप्लीट हो जाए पहली बार आप डायरेक्ट जो है वो एंटर कर सकते हैं। अगर आपका मार्केट ऐसा लेती भी है तो सेकंड साइड पे फिर उसकी एक रैली जो स्टार्ट होगी वो आपको जबरदस्त किस्म की जो है वो ट्रेड देगी, इसलिए आपने घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, इंगल्फिंग बाय उसका भी अच्छा एक्सपेरिमेंट हो गया, चेक करें फिर मार्केट का आप रिएक्शन चेक करें। यहां पे कंडीशंस कंप्लीट थी ठीक है, फिर मार्केट नहीं रुकी आपकी, ये देखें। आप कहते हैं, बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स के मुझे मैसेज आते हैं कि भाई अब जो है जो आपने सेल का सिग्नल दिया है वो तो 200 पीप ऊपर पड़ा हुआ है ठीक है, तो आपने जो है वो वहां से सेल दिया तो मुझे पता है वहां तक मार्केट जाएगी, मार्केट ने नीचे क्या किया है उसका तो आपको नहीं पता, वो चीज मैंने देखी होती है, आप उठा के देख लिया करें। एक हफ्ते के बाद मार्केट वहां पर खड़ी होती है जाके, समटाइम दूसरे दिन तीसरे दिन मार्केट वहां पर खड़ी होती है। मैं जितना मर्जी दूर आपको सिग्नल देता हूँ ठीक है, 200 पिप दूर 300 पिप दूर देता हूँ कि वहां से जाके सेल लेना है, तो इसका एक तरह से आप ये भी मैसेज ले सकते हैं कि भाई वहां तक मार्केट जा सकती है ठीक है। तो मैं इन चीजों को देख रहा होता हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो आपको कुछ चीजें जो है वो भी बता रहा हूँ। तो यहां पर आप देखें कि इसके अंदर मार्केट ने क्या किया है, आपकी थर्ड ट्रेड उठाई है और उसने इंगल्फिंग सेल भी नहीं बनाई, और यूरो कैड जैसा पेयर ठीक है जो ऑलमोस्ट सॉरी ये यूएसडी कैड जैसा पेयर, ये आपको 200 पिप्स की मूव दी है विदाउट इंगल्फिंग सेल बनाए, देख रहे हैं विदाउट इंगल्फिंग सेल बनाए। अब इसके अंदर जो आपकी थी इंगल्फिंग सेल उसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, क्यों, मार्केट नीचे जो चीज करके आई है उसका तो आपको पता है ठीक है, क्योंकि आपने ये सीखा है, अब आपको पता है कि मार्केट का यहाँ पर रिएक्शन जो है वो क्या है, ये चेक करें। फिर उस एरिया के अंदर आके मार्केट जो है वो ये हुई है, सही है। अब इसको जो है इतना काफी है, अब इससे ज्यादा क्या होल्डिंग आप करेंगे, 250 मूव दिया मार्केट वापस नहीं आएगी। अब इसके अंदर एक अपोजिट साइड की कोई एग्जांपल ढूंढ रहते हैं जहां पे मार्केट अपोजिट साइड पे भी गई हो, ये तो हमने बाय की जो है वो एग्जांपल देखी है। इस वेबिनार के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर आपको आज के वेबिनार का मजा आया, आपने न्यू चीजें सीखी हैं, आपको लगता है कि ये चीजें आपको बेनिफिट दे सकती हैं। यहां पर इंगल्फिंग सेल है, सही है, इसके अंदर देखते हैं कि मार्केट ने क्या जो है वो रिएक्शन किया। इसको मैं चलाता हूं आगे, क्योंकि यहां पर मैं देख रहा था जब मार्केट ऊपर जा रही थी सेम एरिया के अंदर इंगल्फिंग सेल जो है वो बना रही थी, इसके पास आ गई है, ये देखें। अच्छा अब यहां पर जो इंगल्फिंग सेल बनी है वो मार्केट ने डोजी टाइप की बनाई है ठीक है, लेकिन कंडीशन कंप्लीट है,
एच फोर की इंगल्फिंग सेल और उसके बाद अगेन इंगल्फिंग सेल, ठीक है, ऐसी इंगल्फिंग सेल जिसने जोन से बाहर आकर प्राइस को क्लोज किया है। तो मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब मार्केट यहां पर आ गई, ये एरिया, ये जोन जो है ना, ये डिसाइड करेगा कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब हम इस एरिया के अंदर फर्स्ट टाइम जो है वो सेल के लिए बैठेंगे विदाउट कंफर्मेशन। यहां पर देखिए कितने पिप्स मार्केट ने आपको दिए इस जोन से, इसको हम यहां से ले लेते हैं। ये मार्केट ने आपको जो पिप्स दिए हैं 60 पिप्स दिए हैं, ठीक है, यहां पर 60 पिप्स जो है वो मार्केट ने आपको दिए। और जो एक मिनट, अब ये सेम जो जोन है इसके अंदर हम मार्केट का रिएक्शन देखेंगे। वन टाइम इसने हमें ट्रेड दे दी, सेकंड टाइम हम इसके अंदर देखते हैं क्या करता है। अच्छा जी, अच्छा, सेकंड टाइम ये मार्केट ने जोन से बाहर क्लोजिंग दे दी। मैंने क्या कहा था, अगर आप इसके अंदर सेल के लिए सेकंड टाइम बैठे हैं तो ये मार्केट आपको, यानी कि ये वाला खास सिनेरियो जहां पर बनेगा, ये आपको चांस देगा मार्केट से निकलने का, ठीक है। ये मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने आएगी, जिस तरह से सीएचएफ के अंदर देखा, जीपी जेपीवाई के अंदर देखा, ब्रेक करने के बाद बार बार मार्केट आ रही थी, ठीक है। कैंडल बाहर क्लोज कर दी, यहां से आप थोड़े से होशियार हो जाए कि आप मार्केट डायरेक्शन चेंज कर सकती है। अगर आप सेल के अंदर बैठे थे तो ये मार्केट यहां तक आई है, आपको मौका दिया इसने निकलने का, और उसके बाद इस एरिया के अंदर मार्केट ने इंगल्फिंग बाय बना दी है, और अभी हमने वेट करना है बाहर क्लोज करने का। अब इसने एरिया से बाहर कैंडल जो है वो क्लोज कर दिया है। अब हम क्या देखेंगे इसके अंदर बाय के लिए ट्रेड, ठीक है। अब सेम एरिया किसके लिए काम करेगा, बाय के लिए, सिंपल इसको ले जाएंगे H1 के अंदर। अब इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं इंगल्फिंग बाय जो पड़ी हुई है उसके साथ मार्केट का क्या रिएक्शन होता है। ये पड़ी हुई है, एक ये पड़ी हुई है, लेकिन ये H1 के अंदर है, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे ग्रीन क्योंकि ये बाय के लिए हो गया। अब आपको डायरेक्शन मिल गई मार्केट की, सही है। पहले सेल के लिए था, एक बार ट्रेड दी, मार्केट बाहर गई, बाहर H4 की क्लोजिंग दी, आप कॉन्शियस हो गए कि अब डायरेक्शन चेंज कर सकती है बाहर, मार्केट वापस आई है, तो आप उसके अंदर से एग्जिट कर गए या आपने ब्रेक इवन लगा दिया। अब ब्रेक इवन हिट करके मार्केट दोबारा बाहर गई, अपोजिट साइड पे H4 की क्लोजिंग की है, एक कैंडल छोड़ के। आपने जोन को नहीं खत्म करना, जोन आपका लगा हुआ है क्योंकि इसने आपको फिर सेकेंड जो है वो टाइम ट्रेड देनी है। अब आप यहां पर बैठे हुए हैं बाय के लिए, दो जो है हमारे पास फ्रेश है। ये क्या कर रही, ठीक है, ये चेक करें पहले मार्केट कितनी बार इस जोन को जो है वो छोड़ के गई है। ये कोई इधर हमारी अगर ट्रेड मिस भी हो गई है, नो इशू, ये 6-7 पिप्स से जो है वो मार्केट छोड़ के गई है, नो इशू। हम यहां पर जो है वो बैठे हुए हैं, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड, जब इस तरह दो जोन इकट्ठे पड़े हो, करीब करीब पड़े हो, यानी कि मैंने आपको बताया था अगर उस स्टॉप लॉस की रेंज के अंदर आपका जो है वो आ रहा है, जिस तरह से ये 15 पिप्स दूर पड़ा हुआ था, बिल्कुल भी दूर नहीं पड़ा था, 30 पिप्स की रेंज के अंदर आ रहा है, तो फिर आपने स्टॉप लॉस सेकंड वाले से नीचे रखना है। अब यहां पर मार्केट ने दोनों की आपकी ट्रेड उठाई है और उसके बाद मार्केट देखें, सही है। यहां पर कितने पिप्स मार्केट ने दिया आपको, कितने पिप्स दिए, 90 पिप्स मार्केट ने आपको जो है वो दिए हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज जो नोट करने वाली है वो ये है कि जाते हुए मार्केट इस जोन के अंदर अगेन जो है वो आपको, यानी कि अगेन इंगल्फिंग बाय जो है वो दे गई है, ये वाली इंगल्फिंग बाय, ठीक है, ये इंगल्फिंग बाय यहां पर कंप्लीट हुई है, ये फ्रेश इंगल्फिंग बाय आपको देखी गई है। देखते हैं यहां पर आती है कि नहीं, ये तो ऊपर ही ऊपर निकल रही है, सही है। यहां पर देखें ये इंगल्फिंग बाय बनाई थी, ये इंगल्फिंग बाय बनाई थी,
अब आप जितनी मर्जी ऊपर आ गई है मार्केट, अब आप ऐसे नहीं सोच रहे कि यहां से मैं सेल लूं यहां सेल लूं, आप ये देख रहे हैं कि मेरी इंगल्फिंग बाय पे कब आती है, क्योंकि आपको मार्केट की डायरेक्शन का पता लग गया है। नीचे मार्केट ने अगर नीचे जाना होता तो इतने स्ट्रोंग एरिया को मार्केट ब्रेक ना करती। अब मार्केट इतने स्ट्रोंग एरिया को ब्रेक करके आई है तो मार्केट आपको क्या दे रही है, बाय के अंदर ट्रेड दे रही है। अब यहां पर देखें, ये इनगल्फिंग बाय बनी कंप्लीट, बेशक उसको रिटेस्ट कर दिया, उस जोन से नीचे नहीं आई, फिर मार्केट इनगल्फिंग बाय बनी, फिर यहां से जो है वो अपसाइड पे निकल गई, फिर इनगल्फिंग बाय बनी, फिर मार्केट इस एरिया से जो है वो ऊपर निकल गई। अब देखें इतनी ऊपर आके भी मार्केट आपको पिप्स दे रही है, 50-60 पिप्स जो है वो आपको दिए मार्केट में, सही है? ये चेक करें कैसे मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रही है। ये इंगल्फिंग बाय आपकी बनी थी, कैसे आपको रिएक्ट कर रही है मार्केट, क्योंकि आपके पास क्या आ गई, डायरेक्शन आ गई मार्केट की। जब डायरेक्शन आपके पास आ गई तो फिर आप जो है वो बाय के लिए बैठे हुए हैं। ये देखें अब आपके सामने, ये मार्केट के अंदर सामने आप बाय के लिए बैठे हुए। जब मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो उस टाइम क्या होगा कि मार्केट या तो जो है वो दो इंगल्फिंग बाय को ब्रेक कर देगी, या ऊपर से कुछ स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग सेल का एरिया बन जाएगा, इसी तरह से H4 वाली जो कंडीशन बताई है, मार्केट जाके साइड में होके वहां पर बना देगी, या डेली की कोई इंगल्फिंग सेल ऊपर पड़ी होगी, उसके बाद मार्केट जो है उस एरिया से जाके फिर सेल के अंदर जो है वो अगेन से कन्वर्ट हो जाएगी। देखते जाए आप बताएं कैसे आपका लॉस होगा। इतनी एग्जाम्पल जो है वही ना पे, ये देखें कितना मार्केट ने यहाँ पर जो है वो रिएक्ट किया है, सही है? जिस तरह से फ्रेश इंगल्फिंग बनती गई, उसकी अपोजिट साइड पे मार्केट आपको ट्रेड देती गई, और आपको डायरेक्शन का आइडिया हो गया। ये सेल के अंदर एरिया कन्वर्ट हुआ था, जब ये ब्रेक हुआ एक कैंडल H4 की बाहर क्लोज की, उसके बाद H1 के अंदर जो फ्रेश इंगल्फिंग बाय मिली आप उसके अंदर बैठते चले गए, आपको मार्केट प्रॉफिट देती गई देती गई देती गई। अब इस डायरेक्शन के अंदर मार्केट कितने पिप्स मूव किए, ठीक है? वो जब भी डिप ले रही थी आप उसके अंदर जो है वो एंटर कर रहे थे, जब वो मार्केट डिप ले रही थी आप एंटर कर रहे थे। अब आपने इसका अपने खुले दिल से फीडबैक देना है कि आपको ये चीज कैसी लगी है, ठीक है? और यही मेरी मोटिवेशन है, जो आप मुझे फीडबैक देंगे यही मेरी मोटिवेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार के अंदर इससे नेक्स्ट लेवल की चीज मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? बहरहाल जितने भी दोस्त इस वेबिनार के अंदर मौजूद थे, आप तमाम दोस्तों का बहुत सारा शुक्रिया। मैंने वेबिनार रिकॉर्ड भी किया हुआ है और मैं कोशिश करूंगा इसको मैं अपलोड भी कर दूं, और इसके अंदर जितने क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, उनको निकाल के उनके ऊपर मैं टिकटॉक के ऊपर वीडियोज भी साथ साथ अपलोड करता जाऊंगा। और इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह अगर आप पहले बोबो ट्रेडर थे, आज के बाद आप बोबो ट्रेडर नहीं रहेंगे इन चीजों को जो है वो फॉलो करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। व्हाट्सएप पे आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।